भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको साई राम। सिखों के चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी महाराज के समय अमृतसर श्री हरमंदिर साहब जी की सेवा का काम चल रहा था। उस सेवा में बहुत सी संगत हिस्सा ले रही थी। उस संगत में उस समय का राजा भी शामिल था जो वहां रोज सेवा किया करता था। लेकिन एक बात से वो बहुत परेशान हुआ। उसने देखा कि गुरु रामदास महाराज जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। ये बात उसको कुछ समझ नहीं आई। और जब ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया और एक दिन हिम्मत करकर वो हाथ जोड़कर गुरु रामदास महाराज जी के सामने गया और उसने विनती करी कि हे सच्चे पातशाह, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? धन श्री गुरु रामदास महाराज ने उसको एक छोटी सी साखी सुनाई। उन्होंने कहा कि हे राजन, बहुत समय पहले एक सेवा का काम चल रहा था। बहुत सी संगत उस सेवा में हिस्सा ले रही थी और उस संगत में कुछ दिहाड़ी मजदूर भी थे। जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्हें रोज उनके काम की दिहाड़ी दे दी जाती थी और जो संगत थी उसको रोज की सेवा के बाद शाम को गुरु महाराज जी के दर्शन होते थे। एक दिन उस दिहाड़ी मजदूर ने यह सोचा कि क्यों ना मैं भी एक दिन बिना दिहाड़ी लिए निष्काम सेवा कर। ये बात उसने आकर अपने परिवार से कही। उसके परिवार ने उसको कहा कि अगर तुम्हारा दिल है एक दिन बिना दिहाड़ी लिए सेवा करने का तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिना दिहाड़ी लिए सेवा करो। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने बिना दिहाड़ी लिए एक दिन निष्काम सेवा करी। ये सुनाकर धन श्री गुरु रामदास जी महाराज चुप हो गए। राजा कुछ समझ नहीं सका। तब राजा ने फिर से हाथ जोड़कर धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के आगे विनती करी कि हे सच्चे पातशाह, इस साखी से मेरा क्या लेना देना है और आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? तब धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने फिर से उस राजन की तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा कि वो दिहाड़ी मजदूर तुम ही हो। जरा सोचिए कि गुरु महाराज ने सिर्फ एक दिन की निष्काम सेवा के लिए एक मामूली मजदूर की झोली में पूरे मुल्क की बादशाहत डाल दी। आज हम आपको ऐसे सेवकों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक दिन नहीं अपना पूरा जीवन ही निष्काम सेवा में समर्पित कर दिया। आइए चलते हैं दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सबसे पहले मिलते हैं ऐसे ही एक साईं सेवक डॉक्टर पीएस सहारिया जी से। डॉक्टर सहारिया केंद्र सरकार में सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट रह चुके हैं और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। श्री सहारिया जी को पुट्टपर्ती के जनरल हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर सेवा करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर सहारिया आजकल सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर सहारिया का पूरा परिवार भगवान बाबा का अनन्य भक्त है। आइए तो चलते हैं डॉक्टर पीएस सहारिया जी के पास और उनसे मुलाकात करते हैं और सुनते हैं उनके अनुभव। सहराम, मेनी सैल्यूटेशंस टू योर डिफाइंट फीट बाबा। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू थाई होली फीट। आई एम व्हाट यू हैव डिजायर्ड मी टू बी। Formerly an ENT consultant in central government and a professor in medical college, now a senior consultant in private practice. Baba, you have provided me opportunity as a doctor in your mission
and operate in your general hospital as well. You gave me vision to prepare an audiovisual program for health education for the masses. I shall always be grateful for providing me opportunity to serve the needy. My parents, my grandparents, uncles were disciples of Sri Keshwananji Maharaj of Katyani Peet, Vrindavan, from early 1900. The ashram at Vrindavan was visited by Sri Yogananji Maharaj, a reference autobiography of a yogi. One of my uncle, who worked as a senior engineer in ICF Chennai, revealed the presence of Kali Yuga avatar Sri Satya Sai Baba in mid-1960. With good fortune, my mother and one of my uncle visited Puttaparthi in 1968. On their return back, she narrated her experience with Sai, which inculcated a deep desire to have his darshan. The narrative was spellbounding and made tears flew out of all the eyes who heard her talk about Swami. The entire family, my grandmother, father, better half, uncles, auntie, had similar feelings which can possibly be expressed in a bhajan, Pa Liye Humne Sadguru Charna. My mother had prasad from the very thali of Baba in which he had his lunch. Baba held her ailing hand and blessed her profusely. Later, a bhajan center was formed in our house with like other activities like study circle, Narayan Seva, were all established in our residence in Morris Nagar in 1968. Soon after, my father, Professor G.S. Saharia, a professor of chemistry in Delhi University, and I visited Parthi. A Delhi Samiti was formed under Professor Dr. Bhagwantam. A Seva Dal was constituted and a first overnight Seva Dal camp was held in Khanna Farmhouse in Sultanpur village, Mehroli. First medical camp was also held there in which Swami visited and blessed us there. It continued there for many, many years. Later, free medical camps started in different areas in Delhi and NCR under the leadership of Dr. K. Kavar and Dr. B. S. Nakara. They continue till date in all areas at Science Center and at Science Center. Baba has blessed me to be in his Seva Dal for over 52 years and have been to Puttaparthi on several occasions, worked for Super Speciality Hospital for conducting cardiac camps and cardiac screening, and to the General Hospital to operate on ENT cases. My family grew under his protection and blessings at every stage of life and continues to be so even today. My relatives, my better half, children, nephews, all have his blessings. My three children are under his protection and grace. My children and grandchildren and nephew have settled abroad and enjoy his blessings. They all have bhajan centers, medical camps, Bal Vikas, Narayan Seva in US and UK. I recollect and share some of my experiences to assure his love and compassion. Once while in Sonlalji's house, as a young Seva Dal, while in service, I had the divine opportunity to be in front of Baba. I had his best darshan and Abhaya's blessings at very close quarters. Second, while visiting Kodai Canal, after I had completed a foreign assignment at Muscat, where I enjoyed his grace and protection in form of bhajan, Seva Dal, study circle, etc., I went to his darshan with my daughter to Kodai Canal, and reaching Arsha, we got a little late as he had almost retired after evening darshan. He got the doors open and came out and blessed me and my daughter then. Once while leaving Parthi,
during evening darshan time, he came out of mandir and blessed me with his abhaya hast. Out of 80 children who visited Parthi from Texas, US in 2008 with US troop, a boy and a girl were selected to present Baba with flowers. You know who they were? They were my grand twins, my granddaughter and my grandson. My other children and grandchildren too have been physically blessed by Baba. His love and compassion cannot be encapsulated. It is widespread, subtle, like a true caretaker of humanity. A capsule for healthcare is under preparation by our Sevadal and shall be available to all to educate the mass in the country and abroad. It has been possible because of his blessings and grace, and that also of our President Sri Rakesh Kapoorji, All India President Sri Nimish Pandyaji, under the guidance of Dr. V. Mohan and Dr. Ram Manohar Rao. Saira, and thank you all. Thank you very much. Dosto, is baat mein do raaye nahi hai ki koi bhi vyakti yadi Bhagwan Baba ke updeshon ke anusar apna jeevan vyatit karta hai aur uska hriday pavitra hai to Bhagwan Baba ka anugrah use avashya praapt hoga. Koi bhi karm use rok nahi sakta. Aaiye, to ab milte hain aisi ek science sevika se जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवा को समर्पित कर दिया. इनका नाम है श्रीमती कामनी सचदेव. कामनी जी को भगवान बाबा का पहला दर्शन 5 वर्ष की आयु में हुआ और 1970 में पहली बार ये प्रशांति निलयम पहुंची. 1970 से लेकर 2011 तक इनको और इनके परिवार को भगवान बाबा ने कई इंटरव्यू दिए. दोस्तों, ये ना केवल बाल विकास एलुमना है बल्कि बाल विकास गुरु भी रह चुकी है. सन 1995 से सेवादल में सक्रिय हैं. दोस्तों, कामनी जी दिल्ली स्टेट श्री सत्य साई सेवा संगठन की ज्वाइंट सेवादल कोऑर्डिनेटर भी हैं. आइए तो मिलते हैं कामनी जी से और सुनते हैं उनके अनुभव. ओम श्री साई राम. भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को प्यार भरा साई. सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को, अपने हस्बैंड को और स्पेशली निमे दीदी और पापा जी को हृदय से नमन करती हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन की अमूल्य निधि, मेरे लिए स्वामी का असीम अनुग्रह और आशीर्वाद का प्रतीक है. स्वामी के रूप का ध्यान करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, स्वामी आपने हमें अपना कर हमारा जीवन धन्य कर दिया. हम आपके ऋणी और उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. अब मैं आपको 1968 में ले चलती हूँ हमारे पवित्र हृदय में स्वामी का आगमन किस प्रकार हुआ. ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बस शॉर्ट में बताऊंगी कि हम लोग हरिद्वार में नए नए आए थे और हम अपने घर में सुबह शाम भगवान की आरती करते थे, पूजा करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे. हमारे नेबर में एक लेडी थी, मिसेस भारद्वाज. वो सत्य साई बाबा की परम भक्त थी. थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस पे था, पर वो देखती थी इनके घर में शाम को रोज प्रेयर होती है, बच्चे सब मिलकर आरती करते हैं. तो वो हमारे घर आए, हमको बोला थर्सडे हमारे घर आना. हम उनके घर गए, उन्होंने छोटा सा श्राइन बनाया था जहाँ बाबा की फोटो थी जो अभय हस्त देते हुए पीछे व्हाइट पिल्लो है, और एक फोटो थी बाबा की जिसमें बाबा ने कृष्णा रखे हुए हैं. और हम उस फोटो को जाते ही देखते रह गए. उन्होंने गणेश भजन किया, गणेश शरणम, और दूसरा मानस वज्र गुरु चरण. उसके बाद उन्होंने हमसे शिवाष्टकम कराया, दुर्गा स्तुति करवाई और हनुमान चालीसा करवाया. ऐसे करा के वो हर थर्सडे हमें बुलाने लगी और हम लोग भी भाग भाग के जाने लगे उनके घर. इतने मिरेकल्स होते थे जब भी हम भजन करते थे. कभी बाबा की फोटो से कुमकुम आता, कभी शहद आता, कभी विभूति आती, कभी कभी जब वो भोग लगाती उसमें इतनी मिश्री इलायची लौंग हम लोगों को सब देती खाने के लिए, और हम बिल्कुल भगवान के दीवाने हो गए. हर समय हम भगवान बाबा के बारे में सोचने लगे.
फिर एक दो हफ्ते बाद उन्होंने मेरे बाबा की फोटो दी और बोला ये सत्य साई बाबा है पुट्टाभर्ती के, थोड़ा सा हमें बताया तो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे फोटो दी तो मैं वो फोटो ला के मैंने मंदिर में रख दी। मेरे फादर जब हम शाम को पूजा करने लगे, पूजा के बाद देखा तो मुझे कहते हैं ये किसकी फोटो है, मेरी मम्मी ने बोला ये सत्य साई बाबा है, ये भी शिव शक्ति का अवतार है। और मेरे फादर इतने गुस्सा हो गए, हम यहाँ हरिद्वार में नए नए आए हैं, तुम्हें पता है यहाँ साधु संन्यासी कितनी गुंडागर्दी होती है, कितना यहाँ का माहौल खराब है, और तुम एकदम भावुक हो जाती हो, हम भी तो शिव शक्ति की पूजा करते हैं, क्यों तो हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है, प्लीज ना बच्चों को कहीं भी जाना और ना तुम ऐसे कहीं भी जाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे। और उसके बाद हम बहुत डर गए कि कहीं हम बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे क्या, लेकिन हम एक दो बार अपने फादर से छुप के भी गए थर्सडे के उनके भजन में, वो तो 4 to 5 करती थी भजन, और फिर उसके बाद हम आ जाते थे, लेकिन हम बहुत भगवान से प्रेयर करने लगे, भगवान पापा भी तो आपको इतना प्यार करते हैं, शिव भक्त हैं, आप उनको भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए, ऐसे करके हम अपने बाबा से प्रेयर करने लगे। और हमें ना बाबा पे कभी शक ही नहीं, कुछ ये ही नहीं, हमें मिरेकल्स की भी नहीं थी, लेकिन हम उनकी फोटो से इतने अट्रैक्ट हो गए कि हम जैसे बस उन्हें अपना दिल दे बैठे, और भगवान भी हमें बिल्कुल हमारा इंतजार करते थे जैसे कब हम आएंगे और कब भगवान वहाँ पे अपने जो कभी विभूति आना शुरू करेंगे कभी कुछ। और इस तरह से हम प्रेयर करते थे अपने फादर के लिए। क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ ही मेरे फादर के ऑफिस में जो था उनके सीनियर बॉस आए, जो मिस्टर डोभाल थे, वो गढ़वाली थे, और जब वो वहाँ आए तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्हीं के साथ मेरे फादर को काम करना था। और जब उन्होंने मेरे फादर को बुलाया कि फाइल और वो सब दिया, तो मेरे फादर ने देखा वही फोटो उनके डेस्क पे भी पड़ी है। मेरे फादर एकदम उसको देखने लगे, तो उन्होंने बोला मिस्टर टॉम ये सत्य साई बाबा हैं, ये पूर्ण अवतार हैं, मेरे सदगुरु और मेरे भगवान हैं। मेरे डैडी ने भी उनको प्रणाम किया और अपनी सीट पर आ गए, और उन्हें कुछ लगा कि क्या एनर्जी उनकी तरफ, ऐसे लाइट उनकी तरफ आ रही थी उस फोटो को देख के। और धीरे धीरे फिर मेरे फादर ने उनसे पूछना शुरू किया, और वो इतने इत्मीनान से उन्होंने हमें बाबा के बारे में बताया, और बिल्कुल एकदम मेरे डैडी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए और कहने लगे हाँ ठीक है, हम भी डोभाल साहब शिव शक्ति को मानते हैं, ये भी वही हैं, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं है। फिर भी उन्होंने हमें बाबा की फोटो दी, हमने अपने श्राइन में रखी, हमारे यहाँ भी बाबा की फोटो में अमृत आने लगा, कभी पीले रंग की विभूति आने लगी, कभी शहद आने लगा, और हम लोग ये समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है। और इतने में भगवान दिल्ली आने वाले थे 70 में, और मिस्टर डोभाल ने बोला आप बाबा के दर्शन करने जाओ। मेरे फादर होता है दर्शन करने आए, हम लोग नहीं आए थे तब। और जब स्वामी मेरे फादर के पास आए, स्वामी ने विभूति निकाली और बोला, स्वामी ने एकदम उनको ऐसे आँख में आँख डाल के देखा और बोला मैं चाहता हूँ तुम फैमिली के साथ नवंबर में पुट्टाभर्ती आओ। सिर्फ इतना बोला और मेरे फादर ने नमस्कार लिया, विभूति हाथ में है, हम सब के लिए वो घर में लेके आए, हम सबको लगाई, और फिर एकदम मेरे फादर ट्रांसफॉर्म हो गए कि हाँ हम लोग पुट्टाभर्ती जाएंगे। लेकिन सोच रहा था कि छुट्टी भी मिलेगी या नहीं, कैसे जाएंगे, कितनी दूर है, लेकिन मिस्टर डोभाल शायद हमारे सनातन साथी बनकर आए थे और उन्होंने हमारा सारा इंतजाम किया पुट्टाभर्ती जाने के लिए। और उन्होंने 2 लेटर दिए, एक शिरडी अम्मा पेड्डा गोटू के लिए और एक कस्तूरी जी के लिए कि ये आपके वहाँ रहने का इंतजाम करेंगे और शिरडी माँ आपको वहाँ पे भगवान की सेवा कैसे होती है सब बताएंगे आपको। हम लोग जो थे बहुत मुश्किल से, कितनी मुश्किलों से गुजरते हुए, सब परेशानियों को झेलते हुए भगवान का नाम लेते लेते हम लोग पुट्टाभर्ती पहुँच गए। और उस दिन 22 नवम्बर था, बाबा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, कहीं जगह नहीं थी रहने की, हम लोगों ने पेड़ के नीचे अपना सामान रखा, और मेरे फादर फिर घबरा गए कि कैसे यहाँ रहेंगे, कैसे वॉशरूम जाएंगे। तो हमारे बराबर में एक और फैमिली थी जो लखनऊ से थी, उन्होंने भी हमें बहुत हिम्मत दी कि आप लोग घबराओ मत, ये स्वामी भगवान है, सब इंतजाम हो जाएगा, बस आप अब फ्रेश होके भगवान के दर्शन के लिए जाओ। हम लोग चित्रावती के नहाने गए और भगवान का दर्शन किया, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे भगवान का, हम लोग मंत्र मुग्ध हो गए, इतनी शांति और इतना पवित्रता थी वहाँ पर, और हम भगवान की तरफ बस एकदम हम हो गए कि भगवान बस अब हमें पूर्ण शरणागत कर लीजिए आप। हमारी यही प्रार्थना थी फुल फैमिली की। ऐसे करते करते एक
फिर हम लोग शाम को मेरे डैडी को घबराहट थी कैसे कहेंगे, बारिश आ गई तो क्या होगा। मेरे डैडी फिर कस्तूरी जी का उसमें एड्रेस था, वहाँ गए, 7:30 पहुँच गए, 8 बजे तक वो वापस आए। फिर उन्होंने वो लेटर दिया, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला मिस्टर डोवाल मेरे बेटे की तरह है, वो बहुत पवित्र आत्मा है और तुम्हारी प्रार्थनाएं और पुण्य सफल हुए हैं जो आप यहाँ भगवान के धरती पर तुम पहुंचे हो। अब अपने आप को पूर्ण अपना को शरणागत कर दो भगवान के, अपना समर्पण कर दो और फिर भगवान आपको अच्छे से अपनाएंगे। और मेरे फादर बहुत खुश हुए, रोने भी लगे और उन्होंने बोला तुम अपना सामान लेकर यहाँ आ जाओ। उनके कमरे के बाहर जो बरांडा था, हम लोगों ने वहाँ रुके और हम उन्हीं का बाथरूम यूज़ करते थे। बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़े भगवान के भक्त थे, हम तो उन्हें इतना जानते पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान की तरह हम पर बहुत कृपा की और हम सुबह शाम भगवान के दर्शन करते, इतना एंजॉय करते, कैसे टाइम बीत गया। 28 तारीख को हम लोग दर्शन के लिए बैठे थे कि स्वामी हमारे पास आए। मेरी मदर को बोला तुम कहाँ से आए, मेरी मदर ने बोला स्वामी हम हरिद्वार से आए। ओ हरि के द्वार से हरि के द्वार पर आ गए, चलो चलो अंदर चलो। और हमें स्वामी इंटरव्यू ले लिया। 3 फैमिली थी, एक उड़िया फैमिली थी, एक इटालियन फैमिली थी और एक आम थी। भगवान ने अंदर जाते ही हम लोगों को विभूति निकाल के सबको विभूति दी और मेरे फादर के माथे पे विभूति का तिलक कर दिया। और भगवान खूब कॉमन बात करते रहे कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे आप लोगों को विश्वास होना चाहिए, अपने पेरेंट्स को खूब मानना चाहिए। बाबा ऐसे कॉमन बात करते रहे, हमें तो लग रहा था बाबा हिंदी में बोल रहे हैं। उनको लग उन्होंने बाद में बताया कि उड़िया में बाबा बात कर रहे थे। और उसके बाद बाबा एक एक फैमिली को अंदर लेके गए। जब हमें लेके गए अंदर तो वहाँ सीढ़ियाँ थी और एक कर्टन डला हुआ था, ऐसे करके भगवान ने हमें अंदर किया और हम वहाँ जगह बनाकर बैठे। और मेरी मम्मी ने फट से बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बाबा ने फौरन हाथ घुमा के विभूति निकाली और उनके माथे पे खूब अच्छी तरह से मलती, एक हाथ सर पे और एक हाथ से विभूति मलके और थोड़ी विभूति उनके हाथ में देके बोला इसको अपने स्टमक पे लगाओ और अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बाबा कहते हैं तुमको बहुत तकलीफ होता, माइग्रेन होता, स्टमक प्रॉब्लम होता, माँ आज के बाद तुमको कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, ये स्वामी का ब्लेसिंग है। और मेरे फादर उधर हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और भगवान से स्तुति कर रहे हैं शिव की, जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरि मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, जय त्र्यंबकेश्वर जय कुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर शंभु पाही पाही दातार हरे। और ऐसे करते ही मेरे डैडी ने भगवान के चरणों में सर रखा और एकदम रोने लगे। उनको रोता हुआ देख के हम भी सब रोने लगे और भगवान 2 मिनट बिल्कुल शांत रहे और मेरे फादर की तरफ देखते रहे और दोनों हाथों से उन्हें खड़ा किया और भगवान खुद भी खड़े हो गए। और भगवान ने मेरे फादर को एकदम हक कर लिया और बहुत शांत किया। मेरे फादर बहुत रो रहे थे, स्वामी ने उनको बहुत शांत किया, चुप किया और सामने ऐसे खड़ा करके कहते हैं तुमको अपना शिव नजर आ गया, कोई साधु संन्यासी तो नहीं ना मैं। और मेरे फादर ने हाथ जोड़ के नहीं स्वामी माफी, स्वामी माफी, ऐसे करके स्वामी ने कहा नहीं मैं बहुत प्रसन्न है तुमसे, तुम्हारी भक्ति से। और स्वामी ने मेरे फादर को उधर बिठाया और स्वामी हमारी तरफ देख के बोलते हैं हमें चुप कराया। और स्वामी ने बोला तुम्हारा मदर फादर बहुत ऑनेस्ट, बहुत भक्ति, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको जाना है, मालूम है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और स्वामी ने हाथ लाया, 3 चांदी के पेंडेंट निकाले जो हम तीनों बहनों को दिए स्वामी ने। और मेरे भाई के हाथ में स्लेट थी, भगवान ने उसे अक्षराभ्यास कराया और भगवान बोले तुम लोग रोज भगवान के अष्टोत्तर नाम का जाप करो और चावल की अर्चना करो, सुप्रभातम करो और सेवा करो। इधर मेरी मम्मी को कहते हैं अब इन बच्चों को बाल विकास में भी डालो और तुम लोग अच्छे से जाओ और मेरा ब्लेसिंग होता है। और भगवान ने हमें मेरी मम्मी को अंदर से जाके गुरु ला के दिया और हमें बहुत नमस्कार किया, बहुत हमें प्यार किया भगवान ने। और बाबा कहते हैं वहाँ तुम गायत्री मंत्र का जाप किया करो, हम ऑलरेडी करते थे लेकिन भगवान ने बोला और अच्छे से जाप किया करो। हम लोग आ गए और हम अपने आप को हमने पूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को, हमारी फैमिली ने, और हम भगवान की होकर रह गए और भगवान ने भी हमें पूर्ण रूप से अपना लिया। इस तरह से हमारा सिलसिला चलता रहा, हम हरिद्वार वापस आए और हमने भगवान की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, हमारा बाल विकास भी शुरू हो गया और हमारे घर भजन भी होने लगा। अब हम पहले मंडे फास्ट रखते थे, अब थर्सडे रखने लगे। मेरे बाप फादर को ब्लाइंड फेथ भगवान में, साईं राम हमारे घर में, इतनी हमारे घर में भगवान की कृपा और इतना
इतनी हमारे घर में भगवान की एक हारमनी एक थी कि जो भी कोई हमारे घर में आता और कहता कि आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो भी जब भजन में आते हैं वो लोग, बहुत लोग हमारे घर से भी भगवान के डिवोटी बने। और उसके बाद फिर बाबा ने फिर मेरी मम्मी को बोला तुम लोग दशहरे पे आओ, हम 72 के दशहरे पे फिर गए और भगवान ने हमें, हमने उनको विभूति का अभिषेक करते हुए देखा शिरडी बाबा को, हम सबके ऊपर भगवान ने जल छिड़का, फिर भगवान ने हमें उस दिन बाद बुलाया और बोला मैं चाहता हूँ तुम अपने इन दोनों बच्चों को मेरे स्कूल में डालने के लिए तैयार हो जाओ, मैं दोनों को इधर ही पढ़ाना चाहता हूँ। और भगवान मुझे कहते हैं माँ तुम अब सेवा करना शुरू करो और गायत्री मंत्र का जाप करो। बाबा बार बार मुझे बस गायत्री मंत्र जाप करने के लिए कहते, लेकिन मुझे बार बार लग रहा बाबा ने इनको एडमिशन के लिए बोल दिया, मुझे नहीं बोला। और फिर उसके बाद भगवान ने प्रसाद दिया और हम लोग बाहर आ गए। मैं बहुत उदास हो गई कि भगवान ने उन दोनों को एडमिशन के लिए बोला, मेरे लिए तो बोला नहीं। और मैं खूब और गायत्री मंत्र का नॉन स्टॉप जाप करने लगी। हम लोग का जाने के 2 दिन ही रह गए थे, अगेन स्वामी कॉल्ड अस फॉर इंटरव्यू और अंदर गए। और मैं बस सोच रही थी कि मैं स्वामी से सबसे पहले मैं स्वामी से बात करूंगी। जैसे ही मैं अंदर गई, स्वामी मैं अंदर कमरे में लेके गए, मैंने बोला स्वामी आई वॉन्ट 3 things फ्रॉम यू। बोले हाँ क्या चाहिए माँ तुमको। पहले मैंने बोला स्वामी मेरे को भी आपके स्कूल में, स्वामी ने फौरन मुझे रोका, बोले माँ तुम मेरे स्कूल में पढ़ाता और दूसरा क्या चाहिए, बाल विकास करो, फिर बाल विकास गुरु भी बनता। मैंने कहा स्वामी आप हमारे घर आइएगा। स्वामी ने कहा हाँ मैं तुम्हारे घर आता, तुम्हारा घर आफ्टर मैरिज तुम्हारा घर होता, बिफोर मैरिज पेरेंट्स का घर होता। और स्वामी ने बोला मैं चाहता हूँ माँ तुम खूब अच्छे से सेवा करो, मेरा ब्लेसिंग है तुम्हें। और फिर मेरे फादर बोलने लगे स्वामी ये बहुत सेवा में लगा रहता और बहुत भक्ति करता है, और जब हम यहाँ से जाने लगते हैं तो ये बहुत रोता है स्वामी, एकदम स्वामी एकदम थोड़ा सा स्वामी ने आंखें ऐसे की और मेरे फादर को बोला ये स्वामी का डॉटर है, स्वामी का डॉटर है, स्वामी इसका शादी करेगा, जल्दी करेगा, अच्छे से करेगा, तुमको बिल्कुल फिक्र करने का जरूरत नहीं है और तुम आराम से उधर जाओ अपने घर जाओ, पेरेंट्स के साथ रहो, वही मेरा ब्लेसिंग होता। और हम लोग फिर बाहर आ गए और मैं बहुत खुश कि स्वामी ने मुझे बोला है कि मैं तो स्वामी की डॉटर हूँ, मैं बहुत खुश। और उसके बाद फिर हम लोग समर वेकेशन में फिर स्वामी के पास गए और मेरे मन में आया कि सब लोग अपने बर्थडे की ट्रॉफियाँ ब्लेस कराते हैं, मैं भी स्वामी से ब्लेस कराऊंगी। मैं और मेरी सिस्टर दोनों ट्रॉफियाँ लेकर बैठी और हम लोग स्वामी को ब्लेस कराने के लिए, स्वामी आए, बहुत लोगों का बर्थडे था, सबको स्वामी ब्लेस कर रहे थे, लास्ट में स्वामी मेरे पास आए, सबकी एक एक मुट्ठी उठाकर फेंक रहे थे। जब स्वामी मेरे पास आए तो मेरी प्लेट से एक मुट्ठी फेंक फिर दूसरी मुट्ठी फेंक और मेरे को इतना गुस्सा आया, आई वाज जस्ट 10 years old दैट टाइम, मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी इतनी ट्रॉफियाँ आप कम करे जा रहे हो, सबकी एक एक मुट्ठी फेंकी मेरी दो, और मैंने फट से अपनी प्लेट बिल्कुल नीचे अपनी गोद में ऐसे कर ली और इसी चक्कर में मैं भगवान का नमस्कार भी नहीं ले पाई और भगवान नीचे झुके और मेरी प्लेट से फिर एक मुट्ठी भरी और सारे में भगवान ने फेंक दी और मेरी ट्रॉफियाँ बहुत कम हो गई थी। मेरे को रोना आ रहा था और भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं तो आपको इतना प्यार करती हूँ और आप सबसे ज़्यादा मेरे को ही टीज करते हो भगवान। और भगवान चले गए, इतने में भजन भी शुरू हो गया, सब लोग ट्रॉफियाँ मांग रहे थे, मेरी मम्मी सबको मेरे से लेके देती जा रही थी और मैं छुपाती जा रही थी कि मत दो, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी और उन्होंने सबको दी। और उसके बाद जब भजन खत्म हुआ हम लोग अपने कमरे में आए, जो कस्तूरी जी का रूम है उसके बराबर का रूम ही हमें मिला हुआ था, उन्होंने हमें दिलवाया था वो रूम। और तो उसके बाद हम कमरे में गए तो कस्तूरी जी को बहुत अच्छा लगा कि आज तुम्हारी बड़ी बेटी का जन्मदिन है, वो हमारे कमरे में आए। और आते ही उन्होंने मुझे एक बाबा की फोटो दी और एक ज्योतिर्लिंग स्त्रोत सौराष्ट्र सोमनाथम जय श्री शैले मल्लिकार्जुनम ये स्त्रोत दिया और मुझे बोले तुम रोज सुबह शाम इसका पाठ किया कर, स्वामी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मैंने उनको बोला हाँ, और मेरा रोने जैसा शक्ल था और इतने में वो चले गए। और मेरी मम्मी ने बोला तुम लोग कितने नालायक बच्चे हो, तुमको शर्म नहीं आती भगवान में ट्रॉफियाँ फेंक रही हो और तुमने अपनी प्लेट नीचे कर ली। मैंने बोला स्वामी हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं, सबकी एक एक मुट्ठी फेंक रहे थे, मेरी कितनी कम करती है और मैं अपनी बहन से कह रही हूँ मुझे थोड़ी दे दे, मुझे भी अपने फ्रेंड्स को देनी है और ये मुझे नहीं दे रही और मैं रोने लगी। मेरी मम्मी ने वो मेरे ऊपर थोड़ा सा तरस आया और फिर मेरी मम्मी ने मेरी बहन को बोला थोड़ी इसको भी ट्रॉफियाँ दे दे। मेरी मम्मी ने उसकी प्लेट ली और बोली अरे तेरे पास तो इतनी सारी हैं। वो कहती मैं सिर्फ 20 दूंगी, जब वो गिन रही थी 20 के बाद
उसने गिनना शुरू किया तो उसकी पूरी ट्रॉफी 80 थी। हमने 80-80 ट्रॉफी का ही पैकेट लिया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला, दिखा मेरे को अपनी प्लेट। मैं नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी मम्मी ने प्लेट की, कहती अरे तेरी तो इतनी ज़्यादा ट्रॉफी है, तू तो कैसे कह रही है स्वामी ने कम कर दी। और उसके बाद जब मेरी ट्रॉफियाँ गिनी पूरी 90 थी, और मैं इतनी भावुक हो गई। और मेरी मम्मी ने आधा घंटा जो हमें लेक्चर दिया, तुम लोग बहुत कैसी तू मेन टाइप की बात कर जाती है, कैसे तूने भगवान को ट्रॉफी देने से नीचे कर दिया, इसीलिए तुझे नमस्कार नहीं मिला। मैं तू इतना गुस्सा खाती है, क्यों ऐसा करती है, इतनी तेरे अंदर हरी भरी रहती है इतनी, और भगवान ने मालूम है तुझे क्या क्या दिया है, तू कभी सोच नहीं सकती। नवदा भक्ति भी दे सकते हैं स्वामी, कितना कुछ देते हैं। मेरी मम्मी ने खूब हमें समझाया और मेरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। और मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने नमस्कार भी नहीं किया। मैंने अपनी ट्रॉफी पैक करके रख ली और शाम को भाग भाग के गई। चांस की बात, मेरी फर्स्ट लाइन ही थी और मैं दर्शन में बैठी और स्वामी वहाँ आए। और जैसे स्वामी आए, मेरे को बहुत बार बार स्वामी को कह रही थी, प्लीज़ स्वामी फॉरगिव मी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ये गलती मेरे से अनजान में हुई है। और मैंने जैसे स्वामी आए, मैंने स्वामी के चरणों में सर रख दिया। स्वामी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, माँ संतोषम संतोषम संतोषम। और भगवान ने मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, इतना पेशेंस दे दिया भगवान ने मुझे। और मैं इतनी तृप्त हो गई कि मैंने अपने आप को, मैंने कहा भगवान मैं आपको पूर्ण समर्पण करती हूँ, मेरे से कोई भूल के भी भूल ना हो और मैं आपकी प्यारी भक्त बनी हूँ। और भगवान अपने मन मन में मैं प्रेयर कर रही हूँ, और भगवान चले गए। उसके बाद हम वापस आ गए, फिर भगवान ने मेरी बहन का एडमिशन लिया आनंदपुर में। और भगवान कहते हैं इसको छोड़ के जाओ, सब सब मैं करूँगा। उसको लिस्ट बना के दी, ये सामान लो और डॉर्मेट्री में छोड़ दो। और सब भगवान ने उसके फॉर्म पे खुद साइन किए पेरेंट्स की जगह, और उसका एडमिशन लिया। अब थोड़े दिन बाद मेरे भाई का एडमिशन का नंबर था, जब मैं तो फिर मैं मेरी बहन और मेरा भाई हम गए भगवान के पास। तो बाबा थे नहीं वहाँ पर, हम लोग वो 8th क्लास पास करके गया था, भगवान ने बोला था इस साल में उसको एडमिशन देता 9th में। तो तुम हम लोग सब कागज और सब फाइल तैयार करके गए थे, मेरी मम्मी को छुट्टी नहीं मिली। और हमने वहाँ पे जाके वो स्कूल में गए, शरभा स्कूल में, वहाँ से फॉर्म लिया। किसी ने हमारी मार्कशीट देखी तो बोला, अरे इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन इसने फाइनल एग्जाम नहीं दिए और हाफ ईयरली के बेस पे इसको प्रमोट किया है, तो इसको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। तुम लोग ऐसे मत करो, इस ये आपका फॉर्म माना नहीं जाएगा। हम लोग घबरा गए, घर में आए, हमने सोचा मम्मी से बात करते हैं, लेकिन हम बात ही नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल था फ़ोन पे बात करना, नहीं हमें मिला। हमने भगवान से प्रार्थना की, और मेरे मन में बार बार आता था कि वो ठीक कह रहा है। तो हमने जाके फॉर्म लिया और 8th क्लास के लिए भर दिया, 8th का ही एग्ज़ाम दिया और 8th के लिए इंटरव्यू हो गया। और एक हफ्ते बाद हम बड़े निश्चिंत हो गए। एक हफ्ते बाद स्वामी आए, उसके एक दिन बाद ही मेरी मम्मी भी पहुँच गई। और स्वामी ने जो था अगले दिन ही इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब भगवान ने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मेरे भाई को और मेरी मम्मी को लेकर हमें बाबा बाहर छोड़ दो। बाबा कहते हैं तुम इधर ही बैठो। और अंदर जाके मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा किया, मैंने तुमको पहले ही बोला था इसको मैं 9th में एडमिशन देगा, तुमने क्या किया, 8th के लिए क्यों फॉर्म भरा, 8th के लिए क्यों इंटरव्यू दिया, क्यों रिटर्न एग्जाम दिया। मेरे भाई को भी डांटने लगे। उसने बोला स्वामी दीदी ने उसने, स्वामी कहते हैं बस तुमको यही, तुम स्वामी का बात नहीं मानता, तुम नहीं सुनता, क्यों तुमने ऐसे किया, जाओ अब तुम लोग बाहर जाओ और वार्डन से जाके बात करो। हम लोग बाहर आए और बहुत घबराए हुए थे। मेरी मम्मी ने हमें बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई, स्वामी बड़े नाराज हुए हैं। उसके बाद हम भजन खत्म हुआ, उसके बाद हम सीधे स्कूल गए और वहाँ जाके हमने वार्डन से बात की। वार्डन ने हमें इतना डांटा, 8th के लिए एग्जाम देता, 8th के लिए इंटरव्यू होता और एडमिशन 9th के लिए, गेट आउट फ्रॉम हियर, ये एजुकेशन है, कोई किसी का खाला जी का घर नहीं है। और हम लोग वहाँ से चुपचाप वापस आ गए। पूरा दिन हम लोगों ने उसे खाना नहीं खाया और भगवान से प्रेयर करते रहे पूरी रात। हमने शाम को जब भगवान दर्शन के लिए आए, हमारी तरफ आए नहीं, ना मेरे भाई की तरफ, बहुत नाराज हुई। और हम पूरी रात भगवान से प्रेयर करते रहे। अगले दिन सुबह उठे, फटाफट खूब परिक्रमा की, खूब प्रेयर कर रहे हैं, भगवान हमने ये जान के नहीं किया, हमने बहुत प्रेयर की थी आपसे, जो भी हुआ हमसे अनजान में हुआ भगवान। और भगवान बस सुबह भी हमारी तरफ में आए, उसी दिन लिस्ट भी लग गई थी। जैसे भजन खत्म हुआ, हम सीधे भाग भाग के ईश्वरम्मा स्कूल गए और वहाँ जाके लिस्ट में क्या देखते हैं कि जो 9th क्लास की लिस्ट थी उसमें सबसे पहला नाम मेरे भाई का था। और हम इतने भावुक हो गए, भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे, भाई हम लोगों का रोना निकल गया।
इतने में बॉर्डर में हमें देख लिया, वो हमें अंदर लेके गया। उसने बोला सॉरी, मुझे नहीं मालूम था भगवान आपको इतना प्यार करते हैं। मेरी मम्मी को कहता है तुम्हारे बेटे का नाम भगवान ने अपने हाथ से ये लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे उन्होंने ही नाम लिखा, और अब भगवान की बहुत कृपा आपके ऊपर, उन्होंने हमें जूस पिलाया क्योंकि हम सब रो रहे थे, हमें प्रसाद दिया और बोला उसके लिए बिल्कुल फिक्र छोड़ दो और भगवान उसको अपने आप प्राप्त करेंगे, आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम आ गए और शाम को फिर हम दर्शन के लिए बैठे, स्वामी आए अगेन ही कॉल्ड अस फॉर इंटरव्यू और भगवान ने बोला जो स्वामी बोलता है आप उसी को सुनना, दूसरा लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनना, क्या तुमको स्वामी पे विश्वास नहीं? हमने बहुत सॉरी बोला स्वामी को, स्वामी ने हमें फिर बहुत प्यार किया और स्वामी ने बोला ऐसे मैं टेस्ट लेता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम अपने टेस्ट में फर्स्ट आना चाहिए, सफल होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, और कभी किसी इधर उधर का बातें गॉसिप नहीं करना, किसी का बात नहीं मानना, सिर्फ स्वामी का बात मानना, तभी मेरा ब्लेसिंग होता। और स्वामी ने हमें नमस्कार दिया और हम आ गए। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और भगवान ने हमें अपनाया और भगवान ने हमें जो भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूँगा सब स्वामी ने किया, हमें भगवान की ऋणी। और भगवान ने जब मेरी शादी का वक़्त आया तो भगवान ने इतने मेरे रिश्ते आते थे, जब भी आता स्वामी अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाते कि यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। और जब यहाँ मेरा रिश्ता पक्का हुआ, बाबा ने मुझे स्कूल में भेजा सत्य साई नित्या विहार में, वहीं निम्मी दीदी ने मुझे पसंद किया, लेकिन मेरे फादर ने कहा हम स्वामी से पूछेंगे क्योंकि स्वामी ने बोला है। तो उसके बाद उन्होंने भी बोला हाँ आप भी पूछिए, हम भी और अपने भाई से अच्छे से बात करके हम आपको कन्फर्म करेंगे, पर लड़की हमें पसंद है। फिर उसके बाद स्वामी ने मेरे भाई को बुलाया, उसको पैसे दिए, अभी जाके लाइटनिंग कॉल करो और फादर को बोलो यही शादी करने का, यही मेरा ब्लेसिंग होता। मेरी सिस्टर को बुलाया तो बहुत सुंदर साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट, और भगवान ने उनको अक्षत दिए और एक जयमा मैडम को बोला इसका टिकट कराओ और इसको इमीडिएट जाने के लिए बोलो, बोला फादर को बोलो इमीडिएट यहाँ पर शादी करें, मेरा ब्लेसिंग होता। और भगवान ने मुझे बहुत ब्लेस किया और उसके बाद मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स और इन लॉज मिले कि मैं भगवान के साथ लगी रही। और भगवान हमेशा निम्मी दीदी को और मुझे इकट्ठे इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और भगवान ने बहुत प्यार दिया, भक्ति दी। और जब लास्ट इंटरव्यू में भगवान ने मुझे ये रिंग निकाल के दी और बोला माँ मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ तुम वेदा भी करना शुरू करो। मैंने बोला स्वामी मुझे संस्कृत नहीं आती। बोले मैं तुम्हें हेल्प करेगा, तुम वेदा करो और तुम ऐसे ही सेवा करते रहो, मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है जब तुम यहाँ सेवा करती हो और मेरा पूरा ब्लेसिंग है। माँ तुम सिर्फ मेरा काम करो, आई विल टोटली लुक आफ्टर यू। और हमने भगवान को अपना समर्पण कर दिया और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान लास्ट वीक तक हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमसे कोई भूल के भी भूल ना हो। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान स्वामी हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, सेवा का मौका देते रहना। मैं प्रार्थना करती हूँ दानी हो तो भिक्षा में अपनी अनुपायिनी भक्ति प्रभु, शक्तिमान हो तो विचार निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु, त्यागी हो तो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु, परम पिता हो तो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु, स्वामी हो निज सेवक की सुन ले ना करुण पुकार हरि, जय शिरडीश्वर जय परतीश्वर पाहि पाहि दाता हरि हरि पाहि पाहि दाता हरि हरि। साई राम। दोस्तों भगवान की कृपा से और उनके बताए हुए सेवा के मार्ग पर चलकर ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन यानी हमारा परिवर्तन संभव है। जब हम भगवान बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमारी सोच और हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है, और ऐसा ही परिवर्तन आया हमारे अगले साईं सेवक के जीवन में और वो सेवा में जुट गए। उनका नाम है श्री सुनील कुमार बख्शी जी। सुनील जी पेशे से बैंकर हैं और पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त हुए। सन 1970 में पहली बार भगवान के दर्शन हुए और तब से लेकर आज तक सेवा में लगे हैं। सुनील जी को भगवान बाबा ने कई इंटरव्यू दिए। सुनील जी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एनफोर समिति के कन्वीनर भी हैं। आइए
तो मुलाकात करते हैं सुनील कुमार बख्शी जी से और सुनते हैं उनके अनुभव। साईं राम, भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे बाबा के बारे में बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बड़ा आभारी हूँ आप सबका। मैंने एक किताब पढ़ी थी, हॉवर्ड मर्फिट, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं जिन्होंने बाबा की किताब मैन ऑफ मिरेकल्स लिखी थी। उसमें बाबा की लीलाओं का वर्णन किया गया था। वो लीलाएं पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जब अगर भगवान साक्षात इस पृथ्वी पर आए हैं तो मुझे एक बार उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। मेरे अंदर से एक ऐसी तीव्र उमंग पैदा हुई और मुझसे रहा नहीं गया। मैं चल पड़ा पुटापर्ती, एक अनजानी जगह। ये बात है 1970 की। उस समय इतना पॉपुलर नहीं था ये प्रशांति निलियम और पुटापर्ती, तो लोगों से पूछ के थोड़ी जानकारी मैंने प्राप्त की और मैं चल पड़ा। मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने बाबा के दर्शन किए, तो एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ जैसे मैं एक नए लोक में आ गया हूँ। ब्रह्म लोक कह लो या वैकुंठ लोक कह लो, जहाँ साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा अनुभव, सुखद अनुभव और आनंद प्राप्त हुआ जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बाबा के बहुत चमत्कार होते हैं, सारे विश्व में होते हैं। मेरे साथ भी दो चमत्कार हुए जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक चमत्कार, ये उसी समय की बात है, 1972 या 1973 की। मेरी कज़न और मेरे अंकल, हम लोग गए करोलबाग मार्केट शॉपिंग करने। में आदमी थोड़ा मस्त हो जाता है, भूल जाता है, छोटे बच्चे हैं। तो छोटी बच्ची थी, उनकी बेटी करीब 1.5 साल की। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे तो वो बच्ची पता नहीं अपने आप वो उसको छोड़ दिया, तो वो खेलती हुई बाहर निकल गई दुकान से, किसी को पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद जब अनुभव हुआ कि वो बच्ची है नहीं, तो हम लोग परेशान हुए। दुकान में देखा, बाद साथ वाली दुकानों में भी देखा, कहीं वो बच्ची नज़र नहीं आई। बड़े परेशान हम सब लोग। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि छोटी सी मासूम बच्ची इस संसार में अपने माता पिता के बिना कहाँ पे बेचारी भटक रही होगी, उस पर दया करो भगवान, उसको आप शीघ्र वो मतलब मिलवाओ, वो बताओ कहाँ है वो, और उसको या तो हम उसके पास पहुँच जाएं या वो हमारे पास आ जाए, इतनी कृपा करो बाबा। चमत्कार हुआ, एक व्यक्ति उस बच्ची को उठाए हुए मेरे पास आया कि ये बच्ची आपकी तो नहीं। मैं एकदम गदगद हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से एकदम आंसू से झलक आए। बाबा आप बहुत दयालु हैं, वो बच्ची हमारी ही थी जो खो गई थी। तो मैंने बाबा को अपने हृदय से धन्यवाद किया। तो ये चमत्कार हम अनुभव करते हैं अपने दैनिक जीवन में। मेरे पिता, वो चूंकि मैंने किताब पढ़ी थी तो उनको भी मैंने किताब पढ़ने को दी, मैन ऑफ मिरेकल्स, तो उनको भी मैंने तैयार किया कि आप भी मेरे साथ चलिए पुटापर्ती, हम चलेंगे। तो जब सेकंड टाइम मैं गया अपने पिता के साथ, तो उस समय बाबा के बर्थडे का समय था, तो बाबा उस समय अपना सफ़ेद रंग की ड्रेस में आके झूले पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं। जब ये कार्यक्रम चल ही रहा था तो मैंने देखा मेरे पिताजी बड़े इमोशनल हो रहे हैं, उनके बड़े अंदर से आनंद में फील कर रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैं चुप रहा, मैंने कहा बाद में बात करूंगा। तो जब वो हम लोग बाहर आए तो मैंने पूछा कि पिताजी आपने क्या अनुभव किया। उन्होंने कहा अरे मैंने तो साक्षात भगवान कृष्ण को देखा झूले पे बैठे हुए, उनके हाथ में बांसुरी थी।
तो जिसकी जिस भावना में, जिस भगवान के प्रति भावना होती है, भगवान वही रूप दिखाते हैं अपने भगत को। बहुत दयालु हैं भगवान। सबसे बड़ी चीज जो भगवान की है, जो कृपा, वह है ट्रांसफॉर्मेशन। हम जब बाबा के दर्शन करते हैं, और सौभाग्य से जब मुझे उनका पाद नमस्कार प्राप्त हुआ, मैंने चरण स्पर्श किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, चरण स्पर्श करते ही वो डिवाइन वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ गई और मैंने अपने आप को एकदम सा बड़ा ट्रांसफॉर्म महसूस किया। भगवान अपने आप बताते हैं कि साधना क्या है। साधना सबसे बड़ी यही है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारा मन जो जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, हम इनके ऊपर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। और बाबा ने सौभाग्यवश मेरे को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बाबा ने बताया कि धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा उन्होंने बड़ी ही सरल कर दी आम आदमी के लिए, कि मन, वचन और कर्म से आप किसी का दिल ना दुखाएं, सबके अंदर ये देखें कि वही एक भगवान वास कर रहे हैं और उसी भगवान की आप छवि आप हर व्यक्ति के अंदर देखें। जैसे एक फूलों की माला होती है, उसमें फूल तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन एक धागा जो उसको पिरो के रखता है वो एक होता है। ऐसे ही भगवान कण कण में व्याप्त हैं। जैसे हम बहुत सारे बर्तनों में पानी भर के रख दें तो सूर्य की का प्रतिबिंब हम हर बर्तन में देखते हैं, तो सूरज अनेक नहीं हैं, वो एक ही है। तो हम अनुभव करते हैं ऐसे ही कि जो वो एक भगवान हैं वो सब में व्याप्त हैं। ये हमको एक प्रेरणा मिलती है मानवता के प्रति, कि हम सबके अंदर प्रभु को देखें। मेरा भगवान ने एक तरह से नज़रिया ही बदल दिया। बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आपकी कमजोरियां वो दूर हों। आप ये अनुभव करें, जैसे हम भजन गाते हैं, मेरा साईं सभी में समाया है, ऐसे ही अगर हम ये अनुभव करें, जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे बड़ी साधना क्या है कि हम अपने मन को नियंत्रण में करें। और भगवान ने हमको जो मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति के लिए बाबा ने खुद ही भजन गाया है, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। तो सबको भक्ति करनी चाहिए, भजन गाने चाहिए। कबीर दास जी ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि जैसे एक किसान खेत में अनगिनत बीज बोता है, वो ये नहीं देखता कि बीज सीधे गिर रहे हैं ज़मीन में या उल्टे गिर रहे हैं। वो बीज जब धरती में समाते हैं तो उसके बाद एक लहराती फसल खड़ी हो जाती है। यही हाल है भक्ति का, कि जाने अनजाने में जो भी हम भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान का नाम हमको उनके निकट लेके जाता है और उनकी कृपा हमें दिलवाता है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति का उदाहरण दिया, अपना सीना चीर के दिखाया कि भगवान राम मेरे अंदर हैं। ऐसे ही हमको भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि जब हम भी साक्षात भगवान को अपने अंदर महसूस करें।
भगवान के नाम में वो शक्ति है कि वो जैसे जब लंका दहन के लिए भगवान राम जा रहे थे आक्रमण के लिए, तो पत्थरों पे राम लिख के उनको समुद्र में फेंका गया, तो राम नाम के अंकित पत्थर जो थे वो पानी पे तैरने लगे। जब पत्थर तैर सकते हैं तो हम इंसान उनका उद्धार क्यों नहीं होगा भगवान का नाम लेने से। ऐसे ही जो दूसरा मार्ग बताया भगवान ने वो है कर्म मार्ग। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। इसका भी उदाहरण रामायण में भगवान ने राम कथा रसवाहिनी में दिया कि एक कर्म करने से राम के पिता दशरथ जी, जो जिन्होंने श्रवण कुमार की अनजाने में हत्या कर दी थी, उस एक गलती की वजह से उनके अंतिम समय में भगवान राम उनके पास नहीं थे। और ऐसे ही जटायु, जिसने माता सीता के अपहरण के समय अपने प्राण निछावर कर दिए, तो भगवान राम उनके इस अच्छे कर्म की वजह से उनकी मृत्यु के समय उनके निकट पहुंच गए। तो एक कर्म आपको भगवान से दूर भी कर देता है और एक कर्म आपको भगवान के निकट भी ले आता है। भगवान कहते हैं कि आप सबसे बड़ी जो चीज़ है उस पर, जिस पर आपने काबू पाना है, वो है आपकी इच्छाएं। अपनी इच्छाओं को आप अपने नियंत्रण में करिए। देखिए, इसका भी उदाहरण रामायण में मिलता है। सीता जी ने जब हिरण की इच्छा जाहिर की तो उनकी एक इस इच्छा मात्र से भगवान उनसे दूर चले गए। वे बाबा कहते हैं कि आप संसारिक इच्छाओं को छोड़ दीजिए, वो आपको भगवान से दूर ले जाएंगी। आप भगवान के निकट आइए, भगवान का स्मरण करिए। इंसान कहता है कि मुझे शांति चाहिए, तो शांति में जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, आई वॉन्ट पीस। तो आई क्या है? मैं, मेरा अहम। वॉन्ट क्या है? वॉन्ट है हमारी इच्छाएं। तो अगर हम अपना अहम और अपनी इच्छाएं समाप्त कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो बचेगा शेष वो है पीस, शांति। तो सबसे सरल जो बाबा ने बताया कि आप अपना अहम और अपनी इच्छाएं छोड़ त्याग दीजिए तो आपके पास शांति शांति, सुकून ही सुकून रहेगा। बाबा आगे वो कहते हैं कि आप अपने अंदर दो चीज़ें और अपनाइए, एक है सेल्फ रियलाइजेशन और एक है सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ रियलाइजेशन के आप हर व्यक्ति के अंदर उसी भगवान का अनुभव करें और वही शक्ति जो सारे संसार को चला रही है उसका अनुभव करते हुए आप अच्छा काम करें, डू गुड बी गुड। और हमेशा एक अपने अंदर सेल्फ इंक्वायरी करिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम लोग संसारिक जो खुशियाँ हैं, जो वर्ल्डली प्लेजर्स, उनमें हम खो जाते हैं और हम अपना जो मुख्य उद्देश्य है जीवन का वो हम भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं रात को सोते समय अपना खुद एक सेल्फ एनालिसिस करिए, एक स्पिरिचुअल डायरी टाइप मेंटेन करिए, उसमें आप अपना दिन भर का अनुभव लिखें कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने कितनों की मदद की है, मैंने क्या अच्छे अच्छे काम आज किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ भगवान जो कहते हैं वो कहते हैं, जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, उनको बड़ा भ्रम हो रहा था युद्ध के लिए, मैं करूं कि ना करूं, उतना वो मतलब अज्ञानतावश भ्रमित हो गए थे।
भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सब कुछ त्याग के मुझ में शरणागत हो जा, सरेंडर टू मी, और तेरे को कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान आश्वासन दिलाते हैं कि जो अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ा देता है तो भगवान उनका हाथ पकड़ के उनको इस संसार रूपी समुद्र से पार ले जाते हैं। हमारा जो उद्धार है वो स्वयं भगवान करते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम भगवान का कैसे शुक्रिया अदा कर सकें, उनकी ऐसी कृपा हम पे बनी रहे। बस यही हमारी प्रार्थना है। बस सभी इस भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सब कुछ भगवान को अर्पण कर दीजिए और फिर देखिए भगवान कैसे कृपा करते हैं आपके ऊपर। साईं राम। दोस्तों, हमारे अगले साईं सेवक किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका परिचय कराना यानी सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। शांत स्वभाव, मधुर वाणी, साफ मन और हर समय सेवा के लिए तैयार रहना, ये उनके कुछ पर्यायवाची। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अशोक मेहता जी की, जिनको हम प्यार से मेहता अंकल भी बुलाते हैं। मेहता अंकल ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में लग गए। साई फोल्ड में सन 1974 में आए और बाल विकास और संगीत के माध्यम से इन्होंने भगवान की बहुत सेवा करी। प्रशांति सेवा में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। भगवान के लिए इनका प्रेम देखकर और इनके सेवा के भाव को देखकर मुझे स्वर्गीय जगजीत सिंह जी के फिल्म प्रेम गीत के एक गाने के बोल याद आते हैं कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आइए तो मुलाकात करते हैं अशोक मेहता अंकल से और सुनते हैं उनके अनुभव। स्वामी के पावन चरणों में मेरा शत कोटि नमन और सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा साई राम। जर्नी विद साई के आयोजकों का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने स्वामी के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। मेरे जीवन में साई चेतना का उजाला अगस्त 1974 से हुआ। इससे पहले मैं पूरी तरह से नास्तिक था। फैमिली बिजनेस का बैकग्राउंड था, इसलिए टोटली मटेरियलिस्टिक, एरोगेंट, सेल्फिश, वो सब जो ट्रेट्स होते हैं बिजनेसमैन लोगों में आम तौर पर, वो सभी थे। सोने पे सुहागा कि मैं उन दिनों एक मैगजीन होती थी ब्लिट्स मैगजीन, जिसके एडिटर थे करण जिया, जो स्वामी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो स्वामी को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी उस मैगज़ीन में और मैं पूरी तरह से सब्सक्राइब करता था उनके व्यूज़ को। एक बार जब मेरी बहन स्वामी का एक फ़ोटो लेकर आई हमारे घर में तो मैंने उसका खूब मज़ाक उड़ाया। यही होता है जब हम जानते नहीं हैं सच्चाई को, मानते हैं अपने नज़रिए से, तो वो औंधी सोच जो होती है वो हमें हमारे अंदर कुछ ऐसा डालती कि हम जो जानते हैं वही सच है, बाकी दुनिया तो बेवकूफ़ है। तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे तो हम भी स्वामी को, मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करता था। अचानक जुलाई 1974 मेरे हाथ ये बुक लगी, मैन ऑफ मिरेकल्स बाय हार्वर्ड मर्फिट। इस बुक ने मेरे जीवन को पलट कर रख दिया, मुझे चारों खाने चित कर दिया।
मैं बचपन से नास्तिक तो था, लेकिन कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत पसंद था। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता गया, मुझे साई उस किताब के पन्नों में साई कृष्ण के रूप में नज़र आने लगा, और अंदर अंदर ही अंदर कुछ मैं महसूस करने लगा। बाथरूम में जाके रोने लगा, रोता रहता था, किताब पढ़ते हुए खूब रोना आता, और रोते हुए जैसे दिल हल्का हो जाता। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों रो रहा हूँ, पर उस रोने में भी एक अद्भुत सी शांति महसूस कर रहा था। बस लगने लगा ये तो कृष्ण है, ये साई तो कृष्ण है, मुझे इनसे मिलना है, मुझे मिलना है, जल्दी ही मिलना है। इस तरह से एक तड़प सी अंदर पैदा हो गई। बस फिर क्या था, पहली अगस्त को हमने पहला भजन अटेंड किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, और पहली सितंबर एक महीने के अंदर हम पहुंच गए पुट्टपर्ती दर्शन के लिए। पहले ही दिन दर्शन के लिए लाइनों में लगे तो अनाउंसमेंट हो रही थी, वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो हम जी पहुंच गए मंदिर, जो स्वामी का मंदिर है उसके ऊपर जो गुंबज है वो गुंबज में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हम भी पहुंच गए गुंबज के ऊपर। वहाँ मेसन काम कर रहे थे तो हमने उनको हेल्प करना शुरू किया। मुझे स्वामी ने तो ऊपर लगा दिया काम पे, इधर नीचे मेरी वाइफ और एक फैमिली और हमारे साथ गई थी साई फैमिली, उनको स्वामी ने पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में कुछ काम चल रहा था वहाँ पर विभूति क्रिएट करके दी और उनसे बातें की। मैं जब नीचे आया काम ख़त्म होने के बाद, मालूम पड़ा कि उनको इंटरव्यू मिला, सॉरी विभूति स्वामी से बातचीत हुई और विभूति मिली। मन में थोड़ा सा ये हुआ कि मैं नहीं था वहाँ पे। दूसरे दिन कुछ ऐसे ही अचानक स्वामी सामने आए और मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इशारा, कुछ बोले नहीं कुछ नहीं, पर आंखों के इशारे से मैं समझ गया कि कह रहे हैं दूर रहो। बस यहीं से शुरू होती है मेरे जीवन की जो जर्नी है विद साई, जिसमें साई के साथ जो रिश्ता मेरा रहा है वो रिश्ता था ऑफ अनरिक्विटेड लव। मेरी जर्नी मैं यूँ कह सकता हूँ कि हैज़ बीन ए सागा, मिक्स सागा ऑफ फुलफिलमेंट एंड रिस्पोंडेंसी, इलेशन एंड रिजेक्शन, एंड ऑल्सो मे बी सक्सेस एंड फेलियर। अनरिक्विटेड लव, मेरा साई के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, स्वामी ने मुझे कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मेरी वाइफ को चार चार इंटरव्यू दिए। यही नहीं कि मुझे कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि एक बार 1979 की शायद बात है, जब मेरी पूरी फैमिली पुट्टपर्ती पहुंची, मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा था, तो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको दिखाना था स्वामी को, तो मेरे बेटे ने बात की तो स्वामी ने कहा हम कल बुलाता, तो दूसरे दिन सुबह सुबह स्वामी ने मेरे बेटे को कहा, तो मेरे बेटे ने हमारी तरफ इशारा किया, तो मैं अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था और मेरी मदर मेरी भाभी के साथ, कलकत्ते से हम लोग आए थे, कलकत्ते में रहते थे, तो मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर बरामदे की तरफ मैं बढ़ने लगा, उधर से मेरी माँ और मेरी भाभी आ रही थी, तो स्वामी ने दूर से मेरे को देखते ही इशारा किया आउट, मुँह से कुछ नहीं बोले, मुँह से इशारा किया। मैंने स्वामी की तरफ इशारे से ही कहा कि फादर वीक है, नहीं चल सकते, तो स्वामी आगे आए, आगे बढ़कर उन्होंने मेरे पिताजी के हाथ थाम लिए
और मुझे फिर इशारा किया, आओ, बोले नहीं मुझसे कुछ। ऐसा ही रहा है बस, मुझे कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया स्वामी ने। तो क्या स्वामी उससे नफरत करते थे? अगर आप आम जिंदगी में, आम जीवन में हमारे साथ कोई व्यक्ति ऐसा अगर व्यवहार करता है तो उसके बारे में हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम क्या उससे मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे? कभी नहीं। और मैं तो वैसे भी ईगोइस्टिक बहुत था, लेकिन स्वामी के साथ रिश्ता ही कुछ और था। जितना वो मुझे दूर करते उतनी ही मेरी तड़प और बढ़ती, मिलने की तरफ, बात करने की तरफ, स्वामी के पास उनका साक्षात्कार पाने की तरफ। नहीं मिलता था, वो तो था ही, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं दो लोगों के बीच में प्यार, एक तरफ प्यार ही प्यार है, मिलना चाहता है, आंसू है, रुदन है, तड़प है, और दूसरा घास भी नहीं डालता है। और स्वामी ने मुझे कभी भी घास नहीं डाली। लेकिन एक बात है, जो स्वामी ने मुझे जो तड़प दी, उस तड़प से स्वामी ने मुझे बहुत कुछ मुझसे करवाया। और स्वामी का सही माने में ये प्यार, मैं समझता हूँ कि स्वामी का प्यार दिखाने का, प्रकट करने का एक तरीका है, स्वामी का एक प्रेम को दर्शाने का ये भी एक तरीका है। क्योंकि वो नफरत तो कर ही नहीं सकते। किताब पढ़ते वक्त मुझे तो कृष्णा नज़र आए थे, मेरे कृष्णा, इतना प्यार। और बाद में भी मैंने भी देखा पुट्टपर्ती में जब हम गए लोगों की तरफ, सबसे कितने प्यार से, कितने धीरज से लोग कपड़े पकड़ के खींच रहे हैं, स्वामी का कुर्ता खींच रहे हैं, स्वामी का चोंगा खींच रहे हैं, प्यार से समझाते सबको। अपेरेंटली मेरी तरफ गुस्सा दिखा रहे थे, पर मैं अंदर से मेरे को महसूस होने लगा कि नहीं, ये गुस्सा नहीं है, प्यार ही है। प्यार का एक अपना, स्वामी का अपना तरीका है उस प्यार को व्यक्त करने का। और मैं आभारी हूँ, आज 46 साल हो गए, कि स्वामी ने मुझे वो तड़प देकर, और कोई भी इस तरह से पर्सनल लेवल पर मुझे ऑब्लाइज नहीं करके, स्वामी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसेस। एक बात मैं कहना भूल गया, जब मैंने स्वामी को पहली बार देखा 1 सितंबर 1974, तो मैंने दूर से ही मन ही मन प्रार्थना की, स्वामी मुझे सद्बुद्धि दो और ज्ञान दो। मैं समझता हूँ स्वामी ने मुझे यही दो चीज़ें दी मेरे लेवल को देखते हुए। लेकिन मुझे उस वक़्त पता नहीं था कि सद्बुद्धि और ज्ञान जब स्वामी देते हैं उसकी कीमत भी होती है। वो कीमत क्या होती है? वो कीमत ऐसी होती है, जैसा मुझे किसी ने समझाया था कि स्वामी का एक ही एम होता है हर डिवोटी के साथ। हर डिवोटी के साथ स्वामी का एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वो है उसके ईगो को कम करना। पर वो ईगो को कम करने का तरीका जो है वो अलग अलग डिवोटीज के साथ अलग अलग होता है। तो मेरे ईगो को तो उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, हमेशा हिट किया, खूब क्रश किया। समझाने वाले ने मुझे ये भी समझाया, स्वामी ये भी जानते हैं कई लोगों के बारे में, उनको समझाने के लिए उनके ईगो को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी उनका ईगो कम हो सकता है। तो
उसने मुझे ये कहा, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं कि स्वामी ने आपके ईगो को डायरेक्टली क्रश किया, डायरेक्टली हिट किया है, तो आप तो, आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है कि डायरेक्टली आपको, आप आपके ईगो को हर्ट कर रहे हैं स्वामी, अगर आप कहते हो कि मेरे ईगो को बहुत, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, बहुत किस्मत अच्छी है आपकी। पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ईगो को क्रश करके उन्होंने मेरे अंदर से एक नए इंसान को गढ़ाया। आई वॉज अ टोटली ट्रांसफॉर्म पर्सन, जैसे स्वामी कहते हैं अक्सर, बंगारू बुलाते हैं किसी को, स्वामी के इस बंगारू शब्द के आह्वान में या एड्रेस करने में एक आशीर्वाद तो है उनका, जिसको बुलाते हैं बंगारू तो बहुत खुश आता है, लेकिन साथ ही एक चेतना भी है, वार्निंग है कि तुम सोना हो लेकिन अभी पूरी तरह से सोना नहीं हो, मैं तुम्हें सोना बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? उसके लिए तुम्हें तपना होगा, भाड़ में झुके जाओगे, रगड़े जाओगे, पिटाई होगी, क्रश किए जाओगे और फिर रगड़ाई होगी, उसके बाद ही तुम अच्छी तरह से तप कर सोना बनोगे। तो कुछ स्वामी ने, हालांकि मुझे कभी इस तरह से पुकारा तो नहीं बंगारू कह के, लेकिन मुझे उन्होंने ज़रूर इन प्रोसेसेस, सोना बनाने के प्रोसेस के में ज़रूर डाला और मुझे, मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव लाए। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए स्वामी ने जिसमें ईगो को क्रश भी किया पर मौका भी दिया, इसलिए मैं कहता हूँ फुलफिलमेंट। माय लाइफ विद स्वामी, माय जर्नी विद स्वामी हैज़ बीन ए सागा ऑफ फुलफिलमेंट, बहुत कई रूप में, कई तरह से, कई बार फुलफिलमेंट भी दी। और डिस्पोंडेंसी एक छोटे से सेंस में सिर्फ कि मेरा ईगो क्रश हो जाता था कई बार। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दिए, 1975 में फर्स्ट टाइम मैं सेवा दल, बतौर सेवा दल पुट्टपर्थी पहुंच गया। पूरे लगभग 25 दिन हम वहां पे रहे पुट्टपर्थी, खूब सेवा की। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसेस, कि 25 दिन के बाद जब हम वापस आए तो मन में एक सेटिस्फैक्शन था कि वाकई क्या किया था हमने। उसमें हमने सेवा की ऑब्जर्विंग कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ घटा था, अभी स्कोप नहीं है, समय भी नहीं है, बहुत कुछ घटा था जिसकी वजह से हम बहुत हम रेस्टलेस हो गए थे। और अंत में ये फैसला किया हम कुछ लोगों ने कि हम साइलेंट रहते हुए सेवा करेंगे। खूब सेवा की वहाँ, जो हमें भी, हमें ग्रुप में, मुझे एक ग्रुप में डाला गया, एकोमोडेशन फॉर फॉरेनर्स। तो उस वक्त, उन दिनों वेस्ट 3 के ब्लॉक्स बन चुके थे, बाकी वेस्ट 4, वेस्ट 5 ये बन रहे थे, और उनमें हमको फॉरेनर्स को एकोमोडेट करना था, वो तो रूम्स तैयार करने थे। वो काम जो बहुत ही स्ट्रेनस काम था, सारे फर्निशिंग करना, फर्निश कमोड, बाथरूम के जो भी हैं सामान वगैरह सारे वहाँ थे, मेसन्स थे, वो काम कर रहे थे, उनको हेल्प करना होता। पर बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हुए, एकदम मौन रहते हुए, चारों तरफ लोग शोर, सेवा दल काम कर रहा है, शोर मचा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हम बिल्कुल मौन रहते हुए काम करते थे और बड़ा आनंद आया। मौन भी रहते हुए, हम जानते हैं कि मौन रहना इतना आसान नहीं है, मुंह से मौन मौन नहीं होता, मन तो इधर उधर भागता है, इसलिए कंटिन्यूस जाप अंदर ही अंदर साइलेंट, ओम साई राम, ओम साई राम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कंटिन्यूस। तड़प थी ना मन में, उनके साथ जुड़ना था, उनकी याद रहती थी हर वक्त, उसको खुश करना है।
जब मेरे जीवन में मैंने जब यही देखा कि स्वामी मुझसे बात नहीं करते, तो ऐसा जी करता कुछ करूं जिससे वो खुश रहें, स्वामी खुश हो जाए, तो स्वामी की खुशी के लिए ही करते थे। 1975 का वो अन्यली 25 डेज का की पुट्टपर्ती यात्रा, फिर उसके बाद 1977 एंड 78 बाढ़ आई थी दिल्ली में। उन दोनों सालों में बाढ़ में के वक्त हमने खूब सेवा की और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। वही फिर कहूँगा कि समय नहीं है इतना, स्कोप भी नहीं है बताने का, पर बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हुए। 1990 ऑनवर्ड्स पर्ती सेवा ज्वाइन की। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, पर्ती पुट्टपर्ती इज़ नॉट जस्ट क्या कहते हैं इसको, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज पिलग्रिम प्लेस नहीं है कि वहाँ पे बस हम अपने पाप धो के आ जाए, वहाँ दर्शन कर लिए, वहाँ पहुँच गए, भगवान के दर्शन कर लिए तो सारे पाप नष्ट हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स ए ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग फॉर लाइफ। आपके आपको शेप किया जाता है, मोल्ड किया जाता है वहाँ पे, अगर आप अपने आप को सबमिट करो, अगर आप अपने आप को सरेंडर करो, तन मन से सेवा करो जैसे स्वामी कहते हैं, चाहते हैं हमसे सेवा। ड्यूटी विद लव, ड्यूटी विदाउट लव इज डिप्लोरेबल, लव विदाउट ड्यूटी इज डिवाइन। इसका एक्सपीरियंस स्वामी ने हमें खूब कराया। अभी स्कोप नहीं है, पर कभी इसको इसकी चर्चा हो सकती है। तो खैर, स्वामी ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस कराए। मैंने ज्वाइन करते ही सबसे पहले बाल विकास, भजन तो मैं कर ही रहा था, लेकिन बाल विकास की एक्टिविटी में विद इन 6 मंथ्स मैंने ज्वाइन कर लिया। और बाल विकास में मैंने ऐसे मुझे सीखने को मिला। मैं तो समझता हूँ कि हर डिवोटी को बाल विकास का कोर्स ज़रूर करना चाहिए। बाल विकास में जो बच्चे सीखते हैं वो हमें सीखना चाहिए। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे जानने को मिला है, जो कुछ भी नॉलेज है थोड़े बहुत, वो सब मुझे बाल विकास से मिली। और बाल विकास में रहते हुए ऐसे ऐसे प्रोग्राम स्वामी ने हमसे करवाए जिनमें सेटिस्फैक्शन मिलता है करने के। लेकिन साथ ही साथ मैंने जो कहा वो ईगो की क्रशिंग भी चलती रही। जैसे 1989 में हमारे बच्चों ने कवाली की, वहाँ 21 नवंबर 1989 स्वामी के सामने हमें दिखानी थी भाई हम क्या पेश कर रहे हैं। स्वामी ने जब वो कवाली देखी और हमारे बच्चों ने किया रिहर्सल जब किया, तो स्वामी ने कहा हाँ, इस कवाली को हम बर्थडे के दिन शाम के वक़्त झूला सेरेमनी के वक़्त करेंगे। तो हम तो बड़े खुश हुए कि स्वामी ने हमें 23 नवंबर को शाम को झूला सेरेमनी के साथ हमारे बच्चों को मौका दे रहे हैं कवाली करने का। लेकिन जो हमें नहीं मालूम था वो ये कि हमारी कवाली के साथ ही रिवॉल्विंग स्टेज का भी इनॉग्रेशन होना था। पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में स्टेज के ऊपर एक रिवॉल्विंग स्टेज बन रहा था और उसका उसी दिन इनॉग्रेशन होना था 23 नवंबर शाम के वक्त हमारी कवाली के साथ। लेकिन हमने तो बच्चों को कवाली में जैसे स्ट्रेट लाइन में दो लाइनों में हमने बिठाया था, बच्चों ने एक्शन करना था, एक बच्चा यहाँ से गा रहा है तो दूसरा बच्चा वहाँ से उसका जवाब दे रहा है, इस तरह से एक्शन फील्ड वो थी कवाली करीब 20 मिनट की। लेकिन 23 नवंबर को करीब 2.5 घंटे पहले हमें इंदुलाल शाह जी ने बुलाया कि हाँ बच्चों को कैसे बिठाओगे, तो हमने बताया कि ऐसे सीधे बैठेंगे, तो बड़ी डांट लगाई हमको, पागल हो गए
ये रिवॉल्विंग स्टेज का इनॉग्रेशन होना है उस दिन, और रिवॉल्विंग स्टेज के ऊपर बच्चों को तुम बिठाओगे और वो स्टेज रिवॉल्व कर जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अब कह भी नहीं सकते कि भाई आपने हमें पहले तो बताया नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते थे। एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक छोटे से ट्रायंगुलर स्पेस में हमको 35 बच्चों को एक झुरमुट में बिठाना पड़ा। किसी तरह से एक्शन वगैरह करते गए बच्चे, सारा प्रोग्राम भी हो गया, कव्वाली हो गई, स्वामी झूले पे भी बैठे, कव्वाली के बाद स्वामी आए, बच्चों को एक एक बच्चे को शॉल दिया, सबको शॉल दिया, बड़े खुश नज़र आए स्वामी। लेकिन जैसे ही सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो साथ आए थे वो आए मेरे पास और कहने, मेहता साहब आपने कव्वाली का सत्यानाश कर दिया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो कहने लगे, अरे आपके इंस्ट्रूमेंट्स तो बज ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई 7-8 इंस्ट्रूमेंट थे, वो उनकी लीड होनी थी, उनकी लीड से बच्चों को कव्वाली शुरू करनी थी, कुछ पहले इंस्ट्रूमेंट बजने थे फिर बच्चों ने कव्वाली शुरू कर दी। तो इंस्ट्रूमेंट्स के सामने जो माइक थे वो काम ही नहीं कर रहे थे सिवाय एक ढोलक। उन्होंने बताया कि बच्चों की खाली आवाज़ आ रही थी और ढोलक की आवाज़ आ रही थी, और आपके इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, आपने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे और आज जिस दिन ये सारा पूरा प्रोग्राम होना था उसी दिन आपने चौपट कर दिया। मैं तो बहुत ही घबरा गया और बड़ा दुख, बहुत दुखी हुआ, बहुत ही दुखी हुआ। लेकिन फिर वही हुआ कि किसी ने समझाया कि अरे स्वामी को देखो, ये सब स्वामी की लीला है, स्वामी ने कराया है, स्वामी भी तो बैठे थे प्रोग्राम में, स्वामी ने तो एंजॉय किया, स्वामी कितने खुश थे कव्वाली को, समझ आया, देखने को भी मिला, मन को मारना पड़ा। इन 46 सालों में स्वामी ने मुझे बहुत मौके दिए, बहुत प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रोग्राम किए। ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैंने क्या किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैंने किया उसने मुझे क्या किया, क्या मेरे अंदर उसकी वजह से कोई बदलाव आया, क्या मैंने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा, क्या मेरे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या मैं मेरे अंदर गुस्सा पहले से कम हुआ, क्या मेरे जीवन में ठहराव आया, एम आई ए बेटर पर्सन देन बिफोर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने ऐसे लोगों को देखा है, स्वामी के साथ स्वामी का सामीप्य मिला, उनको सानिध्य मिला, लेकिन ज़रा भी ट्रांसफॉर्मेशन, खैर वो बात अलग है, सबके अपने अपने कर्म हैं। जो कुछ भी स्वामी के साथ रहते हुए स्वामी के सानिध्य में हमने जो कुछ भी महसूस किया, जो भी एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से मेरे अंदर क्या चेंज आए, क्योंकि हर सिचुएशन में एक लेसन है, और उस लेसन को अगर मैंने ग्रहण किया तब तो मेरा स्वामी का मेरे जीवन में आना सार्थक है, अगर मैंने लेसन ग्रहण नहीं किया तो बिल्कुल बेकार। 100 बातों की एक बात, अंत में मैं यही कहूँगा कि आज स्वामी तो हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन साई तो हैं। स्वामी ने जैसे डॉक्टर सुंदर अय्यर, जो उनके फर्स्ट बैच स्टूडेंट थे साई यूनिवर्सिटी के, उनको कहा था कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ स्वामी हैं, जब तक अपनी ओर पॉइंट आउट करते ये शरीर साथ में है, लेकिन साई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, और यही सच्चाई है। स्वामी हम सब के साथ हैं, हमारे दिलों में अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे, बस जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर। यार मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, आज भी
कभी भी मेरे अंदर कोई भी दुविधा आती है, कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी चैलेंज आता है, तो मैं अपने अंदर के उस साई की तरफ देखता हूँ, उससे बातें करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ, और वो हर बात का जवाब देते हैं, हर प्रार्थना का आंसर वो करते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं वो। और अगर किसी तरह से उस प्रार्थना को हमारे मन मुताबिक अगर हमें नहीं मिलता है उसका निवारण, तो उसकी समझ भी देते हैं, क्योंकि स्वामी जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अपने इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साई राम। हमारे शास्त्रों में विद्या को सबसे उत्तम धन माना गया है और विद्यादान को सबसे उत्तम सेवा। हमारे अगले साई सेवक श्री प्रोफेसर बी एल पंडित हैं। प्रोफेसर बी एल पंडित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बतौर प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नियुक्त थे, और वहां से सेवानिवृत्त होकर आज भी वहीं पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, भगवान बाबा की कृपा से उनको पढ़ाने की सेवा श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में भी मिली, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पिछले 12 वर्षों से वो इस सेवा में जुटे हैं। आइए तो मुलाकात करते हैं प्रोफेसर बी एल पंडित से और सुनते हैं उनके अनुभव। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, और अब रिटायर हो गया हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी क्लासें पढ़ानी पड़ती हैं। प्रोफेसर विश्वनाथ पंडित जो पुट्टपर्ती में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में कुछ साल पहले वाइस चांसलर थे, वो मेरे पीएचडी सुपरवाइजर थे इकोनॉमिक्स में। उनके घर में कई साल पहले भजन होता था रेगुलर, और पहली बार बाबा का भजन मैंने उनके ही घर में अटेंड किया है। वो यूनिवर्सिटी में रहते थे, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्लैट मिला हुआ था, और उसी भजन में जब मैं बैठा पूरे टाइम, मैं यहाँ से गया था शालीमार बाग से यूनिवर्सिटी शाम के टाइम, मुझे इतना सुंदर इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत इंप्रेस हो गया कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सभी लोग बिना किसी शोर के और बिना किसी इनडिसिप्लिन के भजन कितने अच्छी तरह गाते हैं, और टाइम से आते हैं, बिना साउंड किए बिना कोई बात किए बैठ जाते हैं, और ये पता नहीं चलता कि कौन क्या भजन लेगा, और चुपचाप भजन शुरू होते हैं, और भजन इतने प्यारे हैं, चार चार लाइन के, कभी कभी छः लाइन के, इतने प्यारे हैं कि मैं पहले ही दिन शाम को मैं वापस आ रहा था और गुनगुना रहा था वो भजन। और खासकर जो नारायण 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 की स्पीड है, वो पूरी रात मेरे मन में गूंजती रही। अब प्रोफेसर पंडित को मैंने कहा कि ये चांस मुझे मिलना चाहिए, तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया कि इस तरह के दिन प्रोग्राम होता है, कुछ नज़दीक वाले हैं वहाँ आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद पहली बार बाबा के दर्शन मुझे फरवरी 1989 में हुए। उसका रीज़न ये हुआ उस दर्शन का, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी ने मुझे भेजा था यहाँ से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से यूजीसी फेलोशिप पर, कि मैं वहाँ पीएचडी स्टूडेंट्स के कुछ क्लासेस ले लूँ 15 दिन। वहाँ मैं बैठा एक हफ्ता और किसी ने मुझे बताया, क्या तुम पुट्टपर्ती जाना चाहते हो? मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, लेकिन सैटरडे हो या इस तरह का छुट्टी का दिन हो। एक छुट्टी का दिन हमने डिसाइड किया और नाइट बस में हम लोग बैठे और सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचे बाबा की।
प्रोफेसर सराफ उन दोनों वाइस चांसलर थे। सबसे पहले मैं वहां चला गया और देखा कि वाइस चांसलर के कमरे के बाहर बहुत सारे जूते, बहुत सारे चप्पल, बहुत सारे इस तरह का फुटवियर था। और मैं देखते ही देखते हैरान हो गया कि वाइस चांसलर के कमरे में इतने सारे चप्पल क्यों है बाहर। और मैंने देखा कि वहां जो है कुछ स्टूडेंट उनको मिलने आए थे, कुछ प्रोफेसर थे उनके साथ बात कर रहे थे। मैं बाहर रुका रहा और मुझे लगा कि मुझे भी चप्पल निकालना चाहिए। मैंने भी अपना चप्पल निकाला, सामान बाहर ही रख दिया और सराफ साहब को प्रणाम किया, कहा कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हूं तो मुझे दर्शन करना है बाबा के। वो हंसने लगे, आप अभी आए, अभी दर्शन चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे वापस जाना है और मैं एक रात ज्यादा से ज्यादा रह सकता हूँ, मैं इस तरह से फेलोशिप पे आया हूँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। वो फिर हंसते लगे, कहने के भगवान के दर्शन चाहते हो तो इतनी जल्दी? मैंने कहा अब बाबा की कृपा होनी चाहिए। खैर उन्होंने किया कि इस वक्त आप जो है अटेंड कर लीजिए, जिस काम के लिए आप आए हो दर्शन करने के लिए वो आप कोशिश कर लेंगे, लेकिन मैं आपको हेल्प करूंगा शाम के टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं शाम के टाइम करूंगा। शाम के टाइम एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर उन्होंने मुझे साथ भेजे और वो मेरे साथ साथ चले और हम पहुंचे आश्रम के अंदर। आश्रम के अंदर पहुंचने के बाद मुझे हैरानी हुई कि मुझे जगह मिली प्रशांति नीलम के मेन मंदिर में, जहां मेन पूजा होती है, और अंदर बैठा और वहां देख के इतना मन प्रसन्न हुआ कि जैसे पता नहीं मैं किस ब्लिस में था। बाहर निकले भजन के बाद और इतना डिसिप्लिन और इतनी साइलेंस देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि शाम को एक प्रोफेसर आएगा, वो आपको अपने कमरे से ले जाएगा और आपको दर्शन कराएगा बाबा के नजदीक में। मैंने कहा ठीक है, बैठा रहा, शाम तक वेट करता रहा। फिर एक प्रोफेसर आया, उन्होंने कहा कि आप इस पर बैठ जाओ। उन दिनों रेत होती थी वहां पर और रेत पर बिठाते थे और फिर वो कार्ड वार्ड जो निकलते थे वो निकलते थे, और मुझे इस तरह का कुछ नहीं था क्योंकि मैं स्टाफ में था। खैर मैं स्टाफ में बैठा सबसे सामने और इतने में सब साइलेंट हो गया और देखा मैंने बाबा आ गए। बाबा अपने कमरे से निकले, रैंप पर से नीचे उतरे मुस्कुराते हुए, थोड़े से लड़के थे, थोड़े से फैकल्टी थी और बाहर के लोग काफी सारे थे। उनको अटेंड करने के बाद ये फैकल्टी की तरफ आए। जब ये फैकल्टी की तरफ आए, मैं उनमें बैठा हुआ था, तो ये इन्होंने बाबा ने किसी के लिए विभूति मेटरलाइज की, किसी से बात की, किसी से चिट्ठी ले ली, और मैं नया था, बस दिखता रहा था इनकी तरफ कि ये दिव्य आत्मा कितने साइलेंट और कितने कॉन्फिडेंट और कितने सेटिस्फाइड हैं और सबके सबकी ये प्रॉब्लम सुनते हैं। मेरे सामने से गुजर गए और मेरे लेफ्ट को चले गए, फिर वापस आए, फिर मेरे सामने से गुजर गए और वापस कमरे में जाने लगे। ये बड़ा मेरे लिए अजीब मुझे लग रहा था मन में कि मैं इतनी दूर से दिल्ली से आया हूँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद से यहाँ आया, बाबा ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहा था कि उन्होंने क्यों नहीं देखा मेरी तरफ। फिर मैंने अपने से सवाल किया कि भैया मैं तो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हूं, और उन दिनों होते थे वेंकटरमन, आर वेंकटरमन होते थे प्रेसिडेंट। मैंने फिर दोबारा अपने से सवाल किया, क्या मैं आर वेंकटरमन हूं? अब सब लोग हैरान हो जाएंगे आप सुनते कि जो ही मैंने अपने मन में सोचा कि क्या तुम वेंकटरमन हो और आपको क्यों देखेंगे स्वामी। स्वामी रैंप पर थे एकदम, उन्होंने 190% वापस मुड़े और मेरी तरफ आंखों में आंखें, आई कॉन्टेक्ट ऐसा किया और हंसने लगे। मतलब स्माइल, उनकी जो स्माइल आपको पता, सभी को पता है दिव्य स्माइल कैसे देते थे। अब मैं नया नया था और उनकी जब आंखों में आई कॉन्टेक्ट हो गया और उनकी स्माइल देख ली, तो जिसको कहते ना कि मैं हूं, मेरा जो है मैं स्वामी की उस स्माइल को जब तक मैं जिंदा हूं नहीं बोलूंगा। और उस दिन से मुझे लगा कि मुझे रास्ता दिखाने वाले मेरे सदगुरु, मेरे भगवान, मेरे मेहरबान स्वामी ही होंगे। ये 89 का किस्सा है। फिर मैं वापस चला गया। कुछ टाइम के बाद मुझे टीचिंग सेवा मिली इसी पुट्टपर्ती में, यूनिवर्सिटी में, और एमबीए में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया था। उसके लिए मुझे उन्होंने कमरा दे दिया R1 में, R1 में राउंड वन बिल्डिंग में, मैं वहां मुझे कमरा मिला और मुझे क्लासेस मिल गई। क्लासेस मिलते मिलते 3-4 दिन हो गए
और एक हफ्ते का मेरे पास प्रोग्राम था, दो दो लेक्चर लेना रोज का। उसके बाद एक दिन थर्सडे आया, थर्सडे के दिन मैंने सोचा कि आज मैं भगवान के एकदम क्लोज होके दर्शन करूंगा, क्योंकि मैं क्लास के लिए ज्यादा बेचैन रहता हूँ, क्लास है तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे भगवान के दर्शन क्लोज से करने हैं। तो मैंने किसी फैकल्टी मेंबर को कहा, उन्होंने कहा क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप मंदिर में जहाँ फैकल्टी बैठती है, वरंडा में उंदुर बैठते थे, तो आप वहां बैठिए। हम बैठे शाम के टाइम, इवनिंग मतलब आफ्टरनून के टाइम, तो बाबा अंदर से आए कमरे से, जो ही बाबा आए उन्होंने ऐसे किया इशारा, मुझे समझ में नहीं आया, लोगों ने कहा कि आप इनको जगह बनाइए, और बाबा एक हमने एक दूसरे की तरफ फेस किया और रास्ता बनाया बाबा के लिए। अब स्वामी पहले बच्चों से, फिर फैकल्टी से, फिर किसी और आदमी से, फिर मेरे साथ राइट साइड में फैकल्टी मेंबर थे, उनके साथ बात करते 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 मेरे पास पहुंच गए। जब मेरे पास पहुंच गए वो एक सेकंड के लिए रुक गए, और मैंने उनका पाद नमस्कार लेना चाहा। पाद नमस्कार लेना चाहा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पांव जो है, दोनों पैर जो है मेरे हाथों पर रख दिए और खड़े हो गए, पूरे एक मिनट के लिए खड़े हो गए, और मेरे में इतनी वाइब्रेशन, इतनी डिलाइट, लेकिन साथ साथ मेरे आंसू आने लगे कि ये स्वामी का मेरे ऊपर क्या उपकार हो रहा है, और मेरे सारे पुराने कर्म जो है वो खत्म हो रहे हैं, बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं मेरे आंसू के द्वारा। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में काफी फैकल्टी थी, मेरे साथ एक फ्रेंड भी था, वो केमिस्ट्री का था, वो वेस्ट बंगाल का, उनके साथ में बातें करता रहता था, तो वो भी वेट कर रहे हैं, और मेरे आंसू और मेरे हाथ बाबा के पैरों के आंसू आ रहे थे, बाबा के चरणों के नीचे मेरे हाथ थे, और फिर बाबा मेरे पैरों से हाथों से उतरे और वापस चले गए। जो लेफ्ट में फैकल्टी थी उनको उनकी तरफ नहीं गए। अब जो लेफ्ट वाला फैकल्टी मेंबर था वो कहे, यू आर वेरी लकी, यू हैव कम फ्रॉम दिल्ली, आई सेड यस, यू आर वेरी लकी, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ओकेजन यू आर इन योर लाइफ दैट स्वामी स्टूड ऑन योर on your hands for so much time. Anyway, my wife has had also joined me for this teaching seva, and we were using the same room in R1 block. I went, but she was sitting in the ladies area. She was there in the ladies area for darshan. So I was carrying these two hands, and I wanted to tell her the story, and my eyes were wet. I just reached her, told her, "Where is your head? I shall put you my hands on your head." She says, why are you asking? I said, look, Swami was sitting on these, standing on these, in fact. And I just want to put these hands on your head. I did that. And that was another special occasion for me. The next occasion happened in 2009. In 2009, I was nominated to the Academic Council of the University. There in Puttaparthi, Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. Those days it was a deemed university. I was made the member of the Academic Council as, I think it's a nomination for 3 years. So on that basis, I was invited to attend the convocation, which happens on 22nd November each year. So 22nd November 2009 was a very, very special day for me, and we were I was included in the academic procession, and I was given that academic gown, and then we were to march to the convocation ground and then listen to the lecture of the special guest. It was, I think, a foreigner, Sandweiss. So he had come for a lecture. Then after his lecture, we were told that you can march back to your slowly and steadily, you can go pass while Swami is sitting, pranam him from distance mentally or whatever you can do at that time, and you can go back to your rooms without creating noise. While I was walking towards the Swami's chair, I had a secret wish, and the wish was, can I see Swami standing? Because by 2009, Swami had taken the wheelchair, and I just had the secret wish that I want to see Swami standing. But obviously, I didn't have the courage,
I didn't have any way, and he was not well enough to stand. But the moment I reached near his chair, Swami did like this gesture to the students who were on his right and left, and he just stood. For as long as I was standing and just closing my eyes and having his darshan, and then by my mental eye, and then giving him my prayer was coming to me in whichever language, I was praying in front of Swami. After I left, Swami again sat on the chair. When I reached my room, I first phoned my wife, because we also had a function here on 23rd November, and I told her that, look, tell everybody that Swami stood without any support today. He left the chair and stood. This was the third miraculous incident for me, very happy and very joyous. Then, 2009, after that, I was again coming for the convocation, 2010. By 2010, he was very weak. Manmohan Singh was the chief guest, and he persuaded Swami to give a lecture. Swami was very weak, but in spite of being very weak, he had to give the blessings to the students. I noticed that and felt very sad about the state of his health. In May, I think, or April, when Swami went to Shimla, he spent some time in Delhi. At that time, I joined the Seva Dal and did the Seva, security Seva, wherever Swami's program was and whatever time was available to me, because I was teaching in the university. These are the three instances of my life when I had a special experience with Swami. I have been a Seva Dal also, but that was much before I came for teaching. And teaching I started regularly from the year 2007 in summer. Because in summer, Delhi School of Economics and University used to be having summer vacation. And from June onwards, there would be classes in Puttaparthi. And I would go and teach them monetary theory and policy and macroeconomics. This I have been doing since 2006-2007 till last year. This year I could not join because of this lockdown. This teaching seva I have been enjoying, and I always, for me it's a joyous period in my full year when I am told that your ticket is ready, you just be ready for this. You'll be surprised that after 2010, when I retired from the university, some people told me, why don't you have a retirement function at home? I said, I will have a function, but I will convert it into a large bhajan. So I invited most devotees, my friends who were there in Shalimar Bagh, and we booked a place, and in that Jindal Bhavan place, Kamniji was also there. I had got two big photographs, one of Swami and one of Shirdi Baba. It was on the dais, and when the bhajan was in progress, people were surprised to see Amrit flowing on both these photos of Swami and Shirdi Sai. It went on continuously, but bhajan was not stopped, and after bhajan was over, people went and had a look and took that amrit, whatever they could do, by wiping from the floor or wiping from the photographs. That was 2010. Then and then onwards, Leela or Mahima or what we call Swami's presence in my house, which is Swami's house, because outside I have written Om Sri Sai Ram, it is Swami's residence. We have had miracles. I would say miracles because for me, I am a common man, I just see that this is a miracle, that Swami takes our bhog in the morning sometimes, in the evening sometimes, and he has given us so many gifts. Those gifts are valuable things to me. There are silver coins,
there are coins otherwise, and we have Rudraksh Swami gives us sometimes, and he gives us also Elaichi and candy. I mean, we people, when we have bhajan, and on bhajan day we have a samiti bhajan at our home. On the bhajan day, Swami is very, very delighted, in bliss, and his leela, his mahima multiplies on that day, and everybody wants to enjoy that particular moment. Now, I request all of you, those who are listening, or those who may listen it later, that I am not saying it for the sake of advertisement, that people should come and start telling me that you are very great, your house is blessed by Swami. No. This I am saying, that Swami, whether he is in Delhi, he is on this planet, Swami is always and always with us. I have seen strangers coming here to my house, sitting for 10 minutes, and from Swami's picture in the puja room, there comes elaichis, a big number of elaichis being thrown on their, if it's a lady, on their sari or on their shirt, and they are wondering where from this is coming. Again, I am saying, I don't want to take any credit for this. And this has been happening continuously since 2010 till 2020, 15th or 16th of March, when lockdown started. And after lockdown, there has been no Leela here in my house. One day, Mrs. Kamini Sajdeva, may remember, she was here for some time, and she saw how Swami was taking bhog. We had prepared sarso ka saag and makki ki roti, and Swami partook both these, and we were delighted to see this. Two things I have to say again towards the end. First one is, once in, I think, 2007 or 8, me and my wife were traveling by a taxi from Bangalore, where my son had joined by that time in his office. He had built his house, and we were proceeding from his house towards Puttaparthi. We called a cab, and the cab driver was a young boy, and he was chanting Sai Bhajans. Okay, I thought, okay, this is very good. When we settled ourselves in the taxi and we proceeded some distance, we were wondering why this guy is singing songs of Swami. So, maine unko pucha Urdu mein ya Hindi mein, whatever I could manage at that time. I didn't know whether he is from Karnataka or he is a Muslim or a Hindu. Maine kaha, aap ye bhajan gaate ho Sai ke, aap Sai ko mante ho, aur aapka naam kya hai? He said some Muslim name which I cannot recollect now, but he said he is a Muslim, and he lives in this Puttaparthi area only. So, maine pucha, aap Sai ke bhajan gaate ho, Musalman isko mante hain? So he turned back his head and said, sir, Musalman mane ya nahi mane, mere liye to Bhagwan hai. Maine kaha, acha, wo kaise? Maine kaha, mere father taxi chalate the kai saal pehle. मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरी मदर और मेरी सिस्टर थे, और वही टैक्सी में जितना पैसा बचता था पेट्रोल वगैरह के बाद और ओनर को पैसा देने के बाद जो बचता था, वही हमारा गुजारा था. कुछ टाइम के बाद किसी ने बताया कि आपके मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है और इसमें इमीडिएट ऑपरेशन होना चाहिए. हम कलकत्ता चले गए क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वहां थे, और कलकत्ता में पता लगा कि इसका कम से कम खर्चा 3 लाख रुपए हुआ. तो हमने कहा कि 3 लाख रुपए हम सारे रिश्तेदार भी जमा नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं. तो किसी ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? हमने कहा पुट्टपर्ती एरिया में, उससे थोड़ा सा दूर है कोई गांव. उन्होंने कहा वहीं पर तो भगवान का हॉस्पिटल है. तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे हमें जा सकते हैं, हम तो मुसलमान हैं. उन्होंने कहा उसमें मुस्लिम और हिंदू का कोई डिफरेंस नहीं है. रोने रोते रोते उन्होंने बता दिया कि वो 3 लाख रुपए हमारे पास नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 लाख रुपए लग रहे थे. अगर बाबा का हॉस्पिटल नहीं होता तो हम, मेरी गुजारिश है
उन लोगों के लिए जो बाबा के फोल्ड में नहीं है, तो वो ये ना सोचें कि बाबा समाधि में हैं और हमें पुटप्रति जाने की या इनको फॉलो करने की ज़रूरत अब नहीं है। ये चीज़ बहुत बहुत ही गलत है, रॉन्ग है। इसलिए एम्फेसिस देता हूँ, तभी मैंने आज ये ओपन कर दिया सबके सामने कि 2010 बाबा यहाँ आए थे, 11 में अप्रैल में उनकी 24 अप्रैल 2011 में वो समाधि में चले गए। लेकिन उस वही मैंने इसीलिए कहा कि हमारे घर में कितनी लीला होती है। हमारा घर अकेला नहीं, कई सारे इतने घर हैं दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी, फॉरेन कंट्रीज में भी, जहाँ भगवान की लीला होती है। और उस लीला का मतलब ये है सिर्फ कि स्वामी हमें एश्योरेंस देते हैं दैट आई एम विद यू, आई एम अलाइव, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो फोल्ड में नहीं है कि वो कोई भी पड़ोस में भजन हो, उसमें कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, पता लग गया फलाने घर में भजन है, आप जाइए भजन अटेंड कीजिए और आहिस्ता 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 बाबा के जो हम छोटे मोटे कंडीशंस इस तरह से हैं कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग नॉन वेज छोड़ देते हैं। हम शुरू करते हैं थर्सडे से, फिर सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता नॉन वेज छोड़ देते हैं और उसके बाद जब नॉन वेज छोड़ते हैं एक बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिलता है कि जो भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि मैं हर एक प्राणी, हर एक आत्मा के प्राणी के उसमें हूँ, शरीर में हूँ। तो अब हम किसी का जो है नॉनवेज खाने के बाद हम उस प्राणी का की हत्या करते हैं, फिर उसका खा लेते हैं और फिर जो है हम दुखी होते नहीं, उस वक्त एक्साइट होते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप वेजिटेरियन रहें। थर्सडे को अगर शुरू नहीं किया है तो कम से कम थर्सडे को वेजिटेरियन रहिए और आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेरियन, फुल वेजिटेरियन बनिए, नंबर एक। नंबर दो, किसी भी जिस भी घर में भजन हो रहा हो वहाँ आप जाएँ और बाबा के बारे में पता करें। स्टडी सर्कल भी होता है, वो भी सुन सकते हैं आप। भजन भी कितने चार चार लाइन के कितने प्यारे भजन होते हैं डिसिप्लिन के साथ, उनको अटेंड करिए। और सभी देवी देवताओं के भजन हम गाते हैं, किसी भी देवी देवता को हम छोड़ते नहीं हैं। और किसी भी, चाहे वो महाराष्ट्र में पॉपुलर है, चाहे वो किसी और स्टेट में पॉपुलर है, हम सभी देवी देवताओं के भजन गाते हैं। आप लोग जो फोल्ड में नहीं हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस फोल्ड में आने की कोशिश करें और वो देखेंगे कि स्वामी उनके लिए किस तरह का एक स्टेबल माइंड और स्ट्रॉन्ग हार्ट बनाएंगे। क्योंकि माइंड स्टेबल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, हार्ट स्ट्रांग बनेगा आपका, डिसीजन आप क्लियर ले लेंगे, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो आप में अपने आप चेंज आ जाएगी। कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही मिलेगा कि मेरे स्वामी, मेरे साई मेरे मन में है, आत्मा में बसे हुए हैं। साई राम ये देखते कि हमारे पैसे ना होने की वजह से हमारे फादर की डेथ होती, मैं, मेरी माँ और मेरी बहन सड़क पर आ जाते और हम बेकिंग कर रहे होते। ये स्वामी की कितनी कृपा है लोगों के ऊपर कि उन्होंने हेल्थ के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है, जो वैसे नेग्लेक्टेड रहता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है और वहां पर फ्री इलाज होता है लोगों का। लास्ट चीज मैं बताता हूँ, लास्ट पॉइंट, मेरी नीस आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, उसकी बिटिया बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी और 8वीं तक हमको फोन करते थे, बहुत अच्छे नंबर आ गए, बहुत अच्छे नंबर आ गए। उसके बाद 9th में, वो पूना में रहते हैं, तो उन्होंने फोन किया कि 9th में उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं। फिर दूसरे दिन फोन किया, नहीं नहीं आप कुछ करो। मैं, हमने कहा क्या हुआ है, कहने लगे बच्ची 9th में फेल हो गई है। हम हैरान हो गए कि ये कैसी बात है, तो वो रोने लगी वहां फोन पे। मैंने कहा बेटा ऐसे करो, बाबा को प्रे करो। कहने का कहाँ करो, आप करो। हमने कहा नहीं, मेरी वाइफ ने कहा आप खुद प्रे करो। तो उन्होंने फोन लगाया और हमने उस बच्चे का फोन बाबा के फोटो के सामने रख दिया। हमने कहा आप जितना जो बोलना है, रोते रोते बोलना, कुछ तरह बोलना, बोल दो। और सबके लिए ये हैरानी की बात है कि बाबा को उन्होंने फोन, उस बच्चे ने फोन किया
और बाबा ने हम गए और हमने फोन उठाया और उनको फोन किया तो वो उसका रोना बंद हो गया था बच्चे का। कहने लगे मुझे इतना जो है, मैंने सब बाबा को बता दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बाबा सब की बात सुनते हैं, चाहे तुम दूर हो चाहे नजदीक हो, वो हर जगह है और हर एक के लिए, तुम छोटे हो बड़े हो, बाबा को देखा है नहीं देखा है इसकी कोई बात नहीं। तो उन्होंने फोन किया कि अब आप बाबा, मैंने कहा कुछ कोई जरूरत नहीं, हमने आप ही को कहा है। अब हम लोग हैरान हो गए बाद में कि नाइन्थ के बाद उन्होंने दोबारा उस एग्जाम को दिया 6 मंथ्स के बाद, और उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस अपना ब्राइटनेस दिखाती रही और आजकल वो बच्ची इंजीनियर है, उसको 3 साल हो गए इंफोसिस में वो काम करती है। दोस्तों अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री सत्य साईं सेवा संगठन दिल्ली NCR के स्टेट प्रेसिडेंट श्री राकेश कपूर जी का, श्री सत्य साईं सेवा संगठन दिल्ली NCR के यूथ कोऑर्डिनेटर श्री साईं किरण जी का, श्री सत्य साईं सेवा संगठन के दिल्ली NCR के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रवीण जी का, श्री सत्य साईं सेवा संगठन दिल्ली NCR की ग्राफिक्स और वीडियो टीम का, और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सभी समिति कन्वीनर्स का, जिनकी वजह से आज हम इन साईं सेवकों के अनुभव को सुन सके। आइए इन साईं सेवकों के अनुभव से प्रेरणा लें और सेवा के मार्ग पे चल पड़े। दोस्तों इसी सेवा के मार्ग पर चलकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को उसके गंतव्य तक पहुंचाएं। मैंने कहीं एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा था कि आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। अगली बार हम फिर एक और डिस्ट्रिक्ट के कुछ साईं सेवकों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए भगवान बाबा से आपकी स्वस्थ जीवन की प्रार्थना के साथ साईं। ममता मई करुणा मई वात्सल्य मई साईश्वरी जगदी स्वरूपिणी साई मां प्रेम स्वरूपिणी साई I'm
यहाँ वहाँ सारा जहाँ यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है यहाँ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।